नए लोग बागों का एक डेढ़ महीना तो इसी नौटंकी में निकल जाता है, मैं आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि छतरपुर में अगर हैं और छतरपुर में आप इस काम को कर रहे हो तो छतरपुर एक अलग ही जगह है सर, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह है जी। ठीक है, वो बोलते ना कि हर पर्सन सक्सेसफुल होना चाहता है अपना लाइफ, क्या होना चाहता है, हर पर्सन अपना लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो सबसे पहले आपको अपनी सोच बड़ी बननी बिग थिंग का क्या बनना पड़ेगा, बिग थिंग पाँव की मोच और छोटी सोच एक इंसान को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो सोच बड़ी करनी पड़ेगी साथ साथ में। अब एक चीज का प्रॉब्लम कहां जाता है, मान लेते हैं आईटी एपीएल स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग का बात अगर मैं भोपाल इंदौर जबलपुर लखनऊ बनारस मेरठ मैं करता हूँ, सागर मैं करता हूँ, ठीक है, ग्वालियर मैं करता हूँ, तो लोग बाग इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जहाँ पर विलेजेस आ जाते हैं, जहाँ पर बोला जाए तो छतरपुर हो गया या फिर टीकमगढ़ हो गया, ठीक है, या फिर आपका तहसील में चले जाओ, नौगांव चले जाओ, दुनियादारी चले जाओ, यहाँ पर अगर आप इन चीजों को समझा रहे हो ना तो समझाना इम्पॉसिबल। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लोगों को हम तो समझाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मैं आपको बता दिया लोगों को समझाना मेढकों को तोलना इम्पॉसिबल। चार को समझाओगे दो चक्के भाग जाएंगे, मतलब चार को समझाओगे और इनमें से दो उठ के दो को और ले जाएंगे, बोले इन्हें भी समझा दो, बोलेंगे इन्हें भी समझा दो। ठीक है, फिर इसके बाद में उन दो को समझाओगे तो वो बोलते हैं इन्हें भी समझा दो। गांव के लोग होते ना, ठीक है, वो लोग सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। और ये बात आपको बुरी लगनी चाहिए, सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं होते। अपना बेटी के लिए लड़का ढूंढेंगे ना तो चार पांच छह दस लोग बागों को लेके जाएंगे। दूसरा चीज है अपना रिश्तेदार वगैरह को लेके जाएंगे। गांव के लोग बागों के एक दूसरे से बुराई भलाई क्या होता है, क्या किसी ने किसी की जॉब छीन ली, क्या किसी ने किसी का करोड़ों का नुकसान कर दिया, क्या उसका कैरियर कर लिया, ऐसा कोई वो होता है क्या? रिश्तेदारी में लड़ाई किस चीज की होती है, क्या तुम हमारे यहाँ पे नहीं आए थे तो हम तुम्हारे यहाँ पे नहीं आए, तुम्हारा जो लड़की है वो हमारे यहाँ पे नहीं आई थी तो हम अपनी लड़की को तुम्हारे यहाँ नहीं भेजेंगे, तो अपना लड़की के लिए लड़का देखने के लिए गए थे तो हमें नहीं बुलाया था, अब हम जाएंगे तो तुम्हें नहीं बुलाएंगे, यही ना। और इनकी जिंदगी इसी नौटंकी में निकल जाती, ठीक है बॉस। मैं अपनी जिंदगी में सीखा एक सदै समझ में, एक साधो सब सदै सब साधे सब जाए, आप सब जगह अच्छे नहीं बन सकते। आप जिंदगी में जब तक लोग बागों का दिल रखने के लिए काम करते रहोगे ना, समझ में आ रहा है, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो काम दिल रखने के लिए किया जाता है ना वो दिल से होता नहीं है यार। बहुत सारा लोग आप तो मैथ स्ट्रांग नहीं है, समाज सोसाइटी में इज्जत बढ़ाने के लिए बीएससी लायक इंजीनियरिंग लायक फार्मेसी लायक वो बंदा है ही नहीं, बंदी है ही नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन समाज सोसाइटी में इज्जत बढ़ाने के लिए, रिश्तेदारी में थोड़ा सा बताने के लिए, हमारा लड़का फार्मेसी या हमारा लड़की इंजीनियरिंग कर रही है, यस या नो, यस। हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग बोले लगते ना यार कि
कोई एक तो मिल जाए जो हमें स्मार्ट वैल्यू के बारे में सच मतलब सही बोलते हुए मिल जाए। अब गधों के बीच में रहोगे तो घोड़ा कहां से दिखाते। मैन रियलिटी भाई, आप मिलते ही किन से हो। बोलो कोई एक तो मिल जाए, एक तो, अरे जी पूरी जगह ही गधों की है। समझ में आ रहा ना? अगर बिलीव नहीं है तो पूरे खानदान को लुवा लाना, उनके 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 उनके, अकेले ही काफी है। क्योंकि हमने जिंदगी में किताबों से पास होना नहीं सीखा। समझ में आ रहा? हमने जिंदगी से सीखा है सब। तो आप बात कर रहा हूं मैं सोच की, ठीक है ना, कि छोटी सोच पांव की मोच जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। और मार्केट में दो नंबरी का इतना ज्यादा बोलबाला है कि अगर एक नंबरी सामने आ भी जाए ना तो हम उसे भी क्या बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आजकल कुछ वीडियोस वगैरह बना के लोग करते हैं ना, कुछ वीडियो वगैरह बना के करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि तबीयत खराब हो गई उसकी तो लोग अब पहुंच जाते हैं। बाद में वो बोलता है कि मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कौन साथ देता कौन साथ नहीं देता। किसी दिन वाकई में निपट गई कहानी, लोग आगे सोचेंगे कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यस सर, यस। तो अपन बात कर रहे हैं सोच वाले लोग बागों। अब मैं छतरपुर का नाम लूंगा तो समझ लेना कि इसमें सब आ गए, क्योंकि छतरपुर एक शहर नहीं है भाई, ठीक है, जो एक गांव है। अब यहाँ पे लोग बाग रह के अपने आप को चौधरी समझता हो, ठीक है, तो वो हमारी गिनती में तक नहीं आते हैं। तो तहसील में जो लोग रह रहे हो उन्हें हम समझेंगे क्या, ठीक है ना। चलो यहाँ सोच के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, नेक्स्ट चीज में आपको डिस्कशन करूंगा, ठीक है। सक्सेसफुल ना हो पाने की वजह दूसरा कारण है, सही समय पे सही डायरेक्शन एंड सही प्लेटफॉर्म ना मिलना, ये कारण भी बनता है अनसक्सेसफुल होने का। सही समय पे सही डायरेक्शन और सही प्लेटफॉर्म ना मिलना सही समय पे, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। इसलिए मेरा ट्रेनिंग में सुना होगा आप लोगों ने कि आपको अपना संगत वगैरह थोड़ा सही करना पड़ेगा, एनवायरमेंट आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है बॉस। यस, तो एक सोच हो गया, दूसरा राइट टाइम पर राइट डिसीजन, राइट प्लेटफॉर्म आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, समझ में समझो। तो ये कुछ रीजन हो गए, ठीक है। अब लोग वह क्या करते हैं ना, यहां एडमिशन लिया लोग बाबू ने, और बहुत जल्दी जल्दी करता है। क्या किया? बहुत जल्दी जल्दी करता है कि यार मैंने एडमिशन ले लिया और मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ, यहां पे मेरा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्योंकि इसमें उनका गलती नहीं है, वो जिस एनवायरमेंट से आते हैं, ठीक है, उस एनवायरमेंट में खेती का लोग बिजनेस करता है। क्या का बिजनेस करता है? खेती का बिजनेस करते हैं। तो खेती का बिजनेस में क्या होता है ना, सब होते हुए दिखाई देता है, ठीक है, कि मतलब जो खेत का जुताई हो गया, एक खेत में पानी लग गया, एक खेत का बेवाई हो गया, तो वो सब कुछ आंखों के सामने होते हुए दिखाई देता है। 5-7 दिन बाद जो गेहूं आता है ना, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंकुर जो भी निकल आता है, ठीक है, 10 दिन बाद थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो वो सब कुछ होते हुए दिखाई देता है। तो उन्हें लगता है कि हाँ हमने मेहनत की है और हमारे सामने ये सामने है। लेकिन मीराबाई अपना जिंदगी का 20-22 साल मेहनत किया और तब कहीं उसे एक ओलंपिक में गोल्ड हासिल हुआ, सॉरी सिल्वर हासिल हुआ। वहां मेहनत दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लोग क्या बोलते, तुमने किया ही क्या है, तुम अभी तक कर क्या रहे हो। तो ये कुछ चीज है। तो यहां आपको पहली चीज सोच डेवलप करना पड़ेगा,
दूसरा चीज आपको एक सही समय पर सही डायरेक्शन सही प्लेटफॉर्म ये चाहिए, नहीं तो आप अपनी जिंदगी का जो मूल समय चल रहा है ना इसे खो दोगे। कहने का मेरा मतलब है क्या, इसे समझो, आपका जिंदगी में मान लेते हैं आपका 80 साल एज है, इस 80 साल एज में अगर 5 साल आपके खराब हो गए तो आपका कुछ बिगड़ा क्या है? मान लेते हैं आपका एज 50 साल है, इस 50 साल में आपके 5 साल खराब हो गए तो आपका कुछ खराब हुआ क्या? आपकी एज 20 साल है, अगर 5 साल खराब हो गए तो कुछ बिगड़ा क्या? अब बिगड़ा है, सही। अब थोड़ा सा टेंशन जाएगा क्योंकि यही उम्र जो होती है ना, यही एज जो होती है, इसमें इंसान अपना कैरियर बेटर तरीके से एस्टेब्लिश कर सकता है, और इसी एज में लोग बाग अपना जिंदगी को टेंशन कर देता है ये उम्र। अब इस उम्र में चाहिए पड़ता है सही डायरेक्शन, सही प्लेटफॉर्म और सही समय, जो आपको डिस्कशन करता जाए हर चीज को लेके। क्यों कामयाब होना चाहते हो, प्रोफेशन कौन सा है, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं हो जाऊंगा, मैं जॉब करना चाहता हूं हो जाऊंगा, सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं बनना क्या चाहता हूं। इंजीनियर बनना चाहता हूं तो कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हो? ठीक है, तो उसने बोला कि मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं। तो आगे चल के क्या मार्केट सिविल इंजीनियर को रिप्लेस नहीं करेगा? आपको चाहिए एक ऐसा कैरियर, ठीक है, जहां पर आपको कोई रिप्लेस ना करे, समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो, और भी डिटेल से बताता हूं। तो मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब है, ठीक है, आप लोग बागों का खूब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, धीरे धीरे बैठो, क्योंकि यहां पर आप कोई भी चीज तब समझ पाओगे जब ये ढक्कन खोलोगे, क्योंकि गिलास में पानी तभी जाएगा जब गिलास खाली रहेगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। आप सुनो, आप कौन से प्रोफेशन में जॉब करना चाहते, कौन सी जॉब करना चाहते, ऐसा ही बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, या फिर आप क्या बनना चाहते हो, कोई भी वकील बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, यस या नो? अब आप वकील डॉक्टर या फिर SIS इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा साहब, ठीक है, उस चीज को समय देना पड़ेगा, यस या नो? और एक चीज सोच के चलना पड़ेगा, बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ भी कामयाब होना चाहते हो ना, यहाँ पर भी कामयाब होना चाहते हो ना, ठीक है, हमारे स्मार्ट विलेज में APLL में यहाँ भी कामयाब होना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा। बोला जाते हैं जिस जगह को हम समय देते वहां से हमें एक टाइम बाद रिजल्ट अपने आप मिलने लगते हैं, थोड़ा शुरुआत में पेशेंस रखना पड़ता है पास, ठीक है। मान लेते हैं इंस्टाग्राम पे आप कैरियर बनाना चाहते हो, तो पहले की अपेक्षा आज के डेट में कैरियर बनाना बहुत आसान है, सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, ठीक है। इंस्टाग्राम से ही 007 का जो फेजू वगैरह है ना, आज फेजू बॉलीवुड में पहुंच गया, यस या नो? है कि नहीं, बॉलीवुड में है कि नहीं, कैरियर बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का पूरा समय काय में दिया, क्या जो हिटर्स थे जो उसे हिट करते थे, क्या फेजू ने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा था, क्या उन लोग बाबों का घर में आके चोरी की थी, नहीं किया था ना ये सब कुछ? तो लोग बाग दूसरे लोग बागों को हिट्स क्यों देते हैं ये बताओ मुझे सबसे पहले, आप लोगों को भी तो हिट्स मिल रहे ना, मतलब आप लोग बागों को भी तो लोग बाग नेगेटिव बोल रहे ना, क्या बोलते हैं तुम बोलो? कुछ नहीं कर पाओगे, निकाल के कुछ नहीं कर पाओगे सर, कुछ नहीं कर पाओगे, और जो पढ़ाई कर रहे हो सही नहीं, जो पढ़ाई कर रहे हो यहाँ की पढ़ाई सर वो गलत बोलता, यहाँ की पढ़ाई गलत है, कोई कोई बोल देता है नेगेटिव चीज,
मैं कोई क्या बोलता है, सीरिया में हो तो समझ रहे हो ना, और क्या बोलते हैं, अरे बोलो ना सर। वहाँ पे जाके जुड़ गए, फंस गए, वहाँ पे जाके जुड़ गए, फंस गए, मुर्गा बना लिया उन लोगों ने, मुर्गा बना लिया। लास्ट है समय कर पाता। I am a non vegetarian, pure non vegetarian. शाम सुबह लेग पीस खाता हूँ। अब इस चीज पे हंसी क्यों आई? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये फूल क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है, इसलिए इसको पे हम हंस देते हैं। और आप लोग क्या करते हो हैं? आप रिएक्ट कर देते हो, समझ में आ रहा ना? जैसे पूरी महाभारत किस वजह से हुई थी बेटे को बताओ। हाँ, तुम ये नीचे करके रखो ना, और क्या, तुम्हें फिर बाद में दुल्हन जैसा खून बनाना पड़ेगा। हाँ, महाभारत किस वजह से हुई थी? द्रौपदी का वजह से है ना, ऐसा ना? मैं द्रौपदी को नहीं मानता कि द्रौपदी का वजह से महाभारत हुई थी। द्रौपदी का वजह से नहीं, दुर्योधन की वजह से महाभारत हुई। आप बोलो सर कैसे, समझ में ना? अब मैंने ये बात बोल दी ना तो लोग बाग बोलेगा, अरे सर यार ठीक है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने बताया है कि पूरी महाभारत औरत जात से हुई थी, द्रौपदी की वजह से हुई थी, तो तुम्हारे बूढ़े बुजुर्गों ने जो भी बताया था, समझ में आ रहा ना, कि भूत प्रेत आ जाते हैं घर में अगर बाहर वो नींबू और वो मिर्च ना लटकाए तो। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? पहले लोग बाग जंगल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, घर बस्ती बहुत कम हुआ करती थी, और कई गांव को नदी पार करके या फिर जंगल से होते हुए गुजरना पड़ता था, सही है गलत? तो कई बार उनके पास उतने ज्यादा साधन मसाले वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो रास्ते में वो जाते थे तो उनको पता नहीं चलता था सांप काटा, चीटा काटा, बिच्छू काटा, गधा काटा, गधा तो नहीं काटेगा ठीक है, मतलब काटा कौन, तो उनको पता नहीं चलता था। तो जब वो गांव से बाहर होके गुजरते जाते थे एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने के लिए, तो बाहर गाँव के नींबू पानी, नींबू और वो मिर्च रहती थी, उन्होंने खाई मिर्च, अगर वो तीखी लगी तो सांप नहीं काटा, जहर नहीं है, बात समझ में आ रही। और जब इधर से उधर आप जाते थे जंगल से होते हुए, अधिकतर लोग पैदल सफर करते थे ठीक है, तो डिहाइड्रेशन के शिकार भी लोग बाग हो जाए करते थे धूप फूप दुनियादारी की वजह से, तो नींबू जो टंगा रहता था उससे लोग बाग निचोड़ कर पानी में डालकर से पी लेते थे, जिसकी वजह से उनका बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच जाती थी। लेकिन अभी तक आप लोग क्या समझते थे? भूत चुड़ैल नहीं आई। और मैंने तो कई देखा, कई ऑफिसों के बाहर, समझ में। एक बार मैं बस स्टैंड पर था ठीक है, ऐसे नॉर्मल 11 बजने वाले थे, मैं किसी को छोड़ने के लिए गया था, और कोरोना का समय चल रहा था तो दुकानें वकानें जल्दी बंद हो जाती थी ठीक है। अभी मेरा एक लड़का जा रहा था भाई भोपाल ठीक है, तो बोला दादा थोड़ा सा ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसका बोतल लिया, नींबू टंगा था दुकान के बाहर, निकाला निचोड़ दिया। बोला ये क्या किया ठीक है, ये तो भूत को भगाने के लिए होता है। मैंने कहा भूत को भगाने के लिए होता, पेट साफ के लिए भी होता है, समझ में आ रहा है? हेलो यस। तो बूढ़े बुजुर्ग लोग बा क्या बोल के गए, बूढ़े बुजुर्ग लोग बा क्या बोल के गए कि जो महाभारत हुई वो किसकी वजह से हुई? द्रौपदी की वजह से हुआ। मैं बोलता हूँ दुर्योधन की वजह से हुआ। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? शुरुआत भाई पांडवों ने एक महल बहुत अच्छा बनवाया था ठीक है, उस महल का नाम भूल गया मैं ठीक है। तो अभी पांडवों ने बहुत अच्छा महल बनवाया था, उसे देखने के लिए दुर्योधन गया था, अब वो चमत्कारी महल था, भूल भुलैया टाइप से, हाँ इंद्र जो भी है, देखो मुझे तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट में याद रखता हूँ ठीक है, सब कुछ याद रखूंगा तो फिर दिमाग कंफ्यूज रहेगा ना, समझ में ना? लोग तो फट के चार होना चाहता है, मतलब इंजीनियर भी बनना चाहता, इधर रिश्तेदारी में भी जाना चाहता, जीजा भी बनना चाहता, पति भी बनना चाहता, बच्चे भी बाप बनना चाहते हैं, मतलब कछु तो बन जाता है,
समझ में आ रहा ना, हटके चार नहीं हो सकते, पहले एक बन जाओ। तो अभी क्या है ना, वो इंद्रप्रस्थ में गया, ठीक है, जो चीजें सुना करो, ठीक है। मैं बोला ना, किताबों के बाहर का ज्ञान अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो समझ लेना जिंदगी में काम आना है। अभी तक जो ज्ञान हमने लिया ना, वो सिर्फ सीमित है एग्जाम तक। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ कि अगर लोग बाग बोले कि यार आज की डेट में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास में एजुकेशन जरूरी है, यस या नो? आज की डेट में मैं आपको बता दिया, जितने भी लोग बाग मिलीनियस है ना, उन्होंने एजुकेशन को डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट या फिर परसेंटेज सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रखा। पहला तो अपना सॉफ्टवेयर बदलो यार आपका, नहीं तो आप शिकार हो जाओगे इन सारी दुनियादारी के। क्योंकि जब ये फेलियर्स को आप देखते हो ना, ठीक है, जैसे आपको कई लोग बाग इसके बारे में क्रिटिसाइज करते हुए मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसमें रिएक्ट कर देते हो। मैं उस चीज को लेके बोल रहा हूँ, तो आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यार, मतलब खुद अपने एटीट्यूड को भी संभाला कर ना यार, ठीक है। कैसे, अभी डिस्कशन करते हैं। तो डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स, सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रखा, ठीक है। मैं आपको बता दिया, जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हो, बेटर करियर एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपके पास में होना चाहिए क्या बोला मैं, नॉलेज। क्या होना चाहिए? नॉलेज। और नॉलेज भी होना चाहिए तो अपने प्रोफेशन का आपके पास में 80% नॉलेज होना चाहिए और 20% होना चाहिए मार्केट का नॉलेज। क्या होना चाहिए? 20% होना चाहिए मार्केट का नॉलेज। अब मैं ये बात यहां बोला, ठीक है, अब मैं आ जाता हूं डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्किंग में, यानी कि स्मार्ट वैल्यू में। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपने प्रोफेशन का 20% नॉलेज होना चाहिए और 80% नॉलेज होना चाहिए आपको मार्केट का, क्योंकि आप जो बिजनेस करोगे ना, वो मार्केट से लोग बागों को लेके आओगे, यस या नो? ठीक है, तो आपको मार्केट का नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग जगह पे बात हो जाती है। मान ले तो कोई जॉब करना चाहता है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, तेरे पास में सिंगल नॉलेज होना चाहिए और तेरे प्रोफेशन का ही नॉलेज तेरे पास में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? सिंगल नॉलेज, प्रोफेशन का नॉलेज। अगर वो डॉक्टरी का भी पढ़ाई लिखाई करेगा, BCA MCA भी करेगा या फिर उसके बाद में कुछ और करेगा, तो ऐसा ही कभी बन पाएगा क्या? यानी उसे एक संगत की जरूरत पड़ेगी, एक एनवायरमेंट की जरूरत पड़ेगी जो उसके प्रोफेशन से संबंधित ही लोग भागे। मान लेते तुम इंजीनियर, इंजीनियरिंग है तुम्हारे क्वालिफिकेशन, तो तुम्हें अधिकतर अपने आसपास पड़ोस में जो संगत है वो किसकी करनी चाहिए? इंजीनियर्स के लोग बागों की संगत। लेकिन एक चीज और देखना पड़ेगा कि मैं जिन चार लोगों के बीच में रह रहा हूं या जिन चार लोगों के साथ में मेरी संगत है, तो क्या वो लोग पॉसिबिलिटी को फोकस कराते हैं या डिफिकल्टी को फोकस कराते हैं? उनके मन में पॉजिटिव विचार आते हैं या नकारात्मक विचार आते हैं? आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्या वो लोग वह थिंक से भी बड़े हैं, ठीक है, उनकी सोच क्या बड़ी है, क्या वो लोग कैरियर ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं? तो एक बात याद रख लेना, अपनी जिंदगी में अगर आप दोस्त बनाने के लिए जाओ ना, तो अपनी उम्र से 5-7 बड़ी उम्र के लोग बागों को दोस्त बनाओ। क्योंकि अगर आप अपने ही लेवल के दोस्त लोग बाग एज के दोस्त वालों से मुलाकात करते हो, तो आपका दोस्त अगर आपसे क्या बात करेगा, चल यार हाईवे घूम के आते हैं, चल यार पानी पी के आते हैं, चल यार उधर घूम के आते हैं, चल उधर घूम के आते हैं। लेकिन आपसे जो एज में बड़ा होगा ना यार, वो आपको 4 बातें सही ही सिखाएगा, ठीक है। तो जब भी दोस्ती करो ना, तो अपने से एज में, औहदे में बड़े लोग बाबों के साथ में दोस्ती करो, ठीक है। मेरे साथ जिंदगी में यही हुआ कि भले ही मैं, मान लेते हैं, एक नॉर्मल परिवार में जन्म लिया था, लेकिन अब बड़े लोग बागों के साथ में, बड़े आदमियों के लोग बागों के साथ में रहना पसंद था। छोटे लोग बाग, छोटी मतलब क्लास के लोग बाग जहां जिस चीज में लड़ाई करते हैं ना, बड़े लोग बाग उस चीज को हंस के आंसर दे के चले जाते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं कि मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि बड़ों के साथ में रह के ये बस पता नहीं चलता कि पैसे में बड़े हैं, ये भी पता चलता है कि ये सोच में भी वाकई में बड़े हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आपको काम आएगा। आप समझो, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए अपने प्रोफेशन से संबंधित, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर आप डिप्लोमा डिग्री को इतने ज्यादा महत्व क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि देखो इसमें अब आ चुका है एक धंधा, ठीक है। क्या आ चुका है? धंधा। मान लेते हैं आज से 20 साल पहले
15 साल हाँ 18-15-20 साल पहले अगर आपने ये बता दिया ना कि आपने डिग्री कहाँ से की है, ठीक है, उसने बोल दिया मैं बोरकल तुल्ला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई किया, ठीक है, उसने बोल दिया मैं RGPB यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई किया, उसने बोल दिया कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से, उसने बोल दिया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से, उसने बोल दिया असम डाउनटाउन से है, उसने बोल दिया मणिपाल से है, उसने बोल दिया पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। अब ये यूनिवर्सिटी आप पहली बार सुन रहे होंगे, यस या नो? क्योंकि आपने चाचा रामू चाचा की यूनिवर्सिटी के नाम हरि सिंह से मान्यता है कि नहीं, माखनलाल से है कि नहीं, और मतलब ये वो यूनिवर्सिटी है, चाहे आप ब्लैकबेरी का पेंट पहन लो, समझ में आ रहा है, चाहे चाचा की दुकान का खरीदा हुआ पेंट पहन लो, पेंट पेंट है, समझ में आ रहा है। लेकिन यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग या फिर आप राजस्थान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है अगर उससे आपने एजुकेशन लिया है, या फिर आपने देवी अहिल्याबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंदौर से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है ना, आप टंके की चोट पर सिलेक्ट कर लिया जाता, वहां पर बाकी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हुआ करती थी, अब एक बदला कैसे समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि यार मतलब अचानक ये हो क्या गया। आई एम शॉक्ड, उस टाइम पर मैं भी शॉक्ड था कि अचानक ये चीजें होती कैसे जा रही है। मतलब आप लोगों के साथ में मान लेते हैं एक 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 चीज को नहीं मानता मैं, ठीक है, और आप इधर में दो चार इंजीनियर बैठे हैं ना, तो वो इस चीज को समझ पाएंगे कि सर जो बताने की कोशिश कर रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है, रेडी हो तुम? मतलब एक चीज नहीं मानता वो है कि मान लेते हैं अगर वैकेंसी किसी भी प्रोफेसर में निकली कितनी 10,000, वो मेरे को ध्यान दे दिला देना, ठीक है, ये तो किसकी वजह से हुआ था, आज अपन बता के चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सांप हो जाए, भैया 18,000 दिए आपने, अब वो लोग खुश ना हो जो लोग हाफ पेमेंट किए थे, उनके भी फल चाहिए हमें, ठीक है। तो द्रुपति वाला बात याद रख लेना, ठीक है, महाभारत आज ही अपन पलटेंगे, टेंशन नहीं है। तो अभी सुनो, किसी भी प्रोफेशन में मान लेते हैं उन्होंने बोला टीचर का वैकेंसी निकला 10,000, या फिर उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग का वैकेंसी निकला 10,000, उनके निकलते नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, 10,000 वैकेंसी निकला, 10,000 वैकेंसी निकला, ठीक है। अब इसमें भी धंधा होता है, समझने की कोशिश करो, 10,000 वैकेंसी अगर उन्होंने निकाला है और उसकी एक लास्ट डेट देते हैं कि मान लेते हैं चल रहा है अक्टूबर, इसका नवंबर, अक्टूबर का नवंबर जाता ना, हाँ, तो नवंबर का 10 तारीख इसका लास्ट डेट है, और 10 तारीख तक जितने भी फॉर्म वॉर्म भर गए ना, अच्छा जी बताओ ऑनलाइन क्यों भरना चालू किया, क्योंकि उससे काम जल्दी हो जाता, और इसमें हद की बात एक और आ जाती है, भाई आपने एजुकेशन लिया, ठीक है, मैं एक पर्सन से मुलाकात किया जिसका पढ़ाई लिखाई, समझने की कोशिश करो, ठीक है, जिसका BSc किया, MSc किया, DC किया, PGDCA किया, DEd किया, BEd किया, और वो टीचरशिप का फॉर्म अप्लाई कर रहा था, तो जब वो फॉर्म अप्लाई कराने के लिए आया, मैं और दीपक बैठे थे दोनों, ठीक है, तो बोलता कि मेरा फॉर्म फिलअप करा दीजिए, मैं बोला भाई किस चीज का फॉर्म है आपका, बोला वो फॉर्म भरना है टीचर का, अभी वैकेंसी निकल रहा है वर्ग 1-2-3 का। मैंने कहा कि आपका एजुकेशन क्या है, वो बोलता मेरा इतना 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 इतना, बड़ी शान से बोला। मैंने कहा इतना बड़ा एजुकेशन लेने के बाद अपना फॉर्म खुद नहीं भर पा रहे क्या, गलत बोला यार, हंसी मजाक वाला बात है, लेकिन मैंने क्या गलत बोला, यानी कि यहां से समझो कि जो आज में वैकेंसी निकलने वाली, जो जॉब आज में मिलने वाली है, उन्होंने हमारे एजुकेशन को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन कोई भी पर्सन मुंह क्यों नहीं खोल रहा है, उसका रीजन पता क्या है, समझने की कोशिश करना, क्या नाम है तुम्हारा, राजकुमार, समझने की कोशिश करना, ठीक है, उसका रीजन सिंपल सा है, हमारा देश 1,000 साल तक गुलाम बना रहा, ठीक है, और इसका हमें घमंड है, हमारे अलावा कोई नहीं रहा इतना गुलाम, हम ही पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हम ही इकलौती, क्यों बना रहा। एक सर्वे हुआ था जापान अमेरिका एंड इंडिया में, ठीक है, और वो सर्वे में ये था कि यहाँ के लोग कौन से देश के लोग क्या करते हैं लाइफ जाने के बाद, ठीक है, अमेरिका का सर्वे हुआ, बोले यहाँ के लोग बाग क्या करते हैं, बोले यहाँ के लोग बाग तो कॉल करते हैं, क्या करते हैं, कॉल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कराते हैं, बोला जापानी जे गधे 99% तो खुद सही करते हैं, ठीक है, 1-8% बच गया तो फिर
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन लगाते हैं, बोला भारत के लोग क्या करते हैं, बोला भारत के लोग बाग क्या करते हैं, सबसे पहले घर जाएंगे बाग, इधर भी लाइट नहीं है, इधर भी लाइट नहीं है, ओ हमारी भी लाइट नहीं है, सबकी लाइट तो वैसे ही है, बात समझ में ना, मतलब इधर भी गधे तो हम भी, इधर भी बेरोजगार तो इधर भी बेरोजगार हम भी बेरोजगार, कुछ अलग कुछ भी लोग लेके आई नहीं रहे, ठीक है। तो इंडिया का लोग बाग अलग ही टेक्निक में, अभी समझो इधर में, तो वैकेंसी कितना निकला मेरे भाई, 10,000 वैकेंसी निकला, फॉर्म कितने डलेंगे, और क्या किसी प्रोफेशन को वाकई में लिख के आता है कि इस क्वालिफिकेशन के व्यक्ति ही इस में फॉर्म डाल पाएंगे, कैसा कोई लिख के आता, ओनली फॉर इंजीनियर्स, कैसा कोई लिख के आता, या ओनली फॉर पीएचडी होल्डर्स, क्या ऐसा लिख के आता, क्या ऐसा भी लिख के आता ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वीसीएमसीए, ऐसा लिख के नहीं आता ना। दरअसल ये गेम होता है, क्या होता है ना, गेम होता है। देखो लोग बोलते हैं मूर्ख बनाने का काम है, मूर्ख है इसलिए बनाते हैं, बात समझ में ना। डॉक्टर से पूछा भैया आप इतना लूटते क्यों, बोला लूटने के लिए आए लोग, सालों को पता है सुबह 5 बजे उठ के और जॉगिंग वॉगिंग दुनिया करी दारी करके गर्म गुरु गुना पानी पी के स्वस्थ रहा जाता है, लेकिन हर मोटे इंसान को पता है कि जॉगिंग करने से पेट कम होगा लेकिन वो करते ही नहीं, कृपया मुझे ना देखें, ट्रेनिंग नहीं दूंगा मैं। लेकिन आप लोग बताओ, अभी 10-15 मिनट का बात किया मैं, क्या आपको बराबर बताया कि ठीक है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, इसे समझने की कोशिश करो यार। अगर मान लेते अगर मुझे पैसा कमाना होता तो स्मार्ट वैल्यू नहीं करता मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना होता ना तो स्मार्ट वैल्यू नहीं करता, आपको क्या बता दूं, बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है जी। तो यहाँ पर दूसरा गेम क्या हो रहा है हमारे साथ में, किसी भी सिंगल प्रोफेशन को लेकर फोन डालने के नहीं बोला जा रहा है, सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है यार, सबके लिए ओपन है, ये ओपन करके रख दिया उन्होंने सब, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पे, अभी 10,000 वैकेंसी निकली तो फॉर्म कितने डलेंगे, ईमानदारी से बता, तुम्हारा क्या पढ़े लिखे, अभी कहीं फॉर्म डाला तो कैसे बोलोगे 10,00,000 तो शादी खुद की नहीं हो रही लेकिन दीदी की शादी हो रही तो जीजा जी भी हमारे तो फॉर्म कितना डल जाएगा, समथिंग 20-25 लाख 30-40 लाख, ठीक है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, मान लेते उनका टारगेट कितना 30-40 लाख का ना, तो मान लेते हैं 10 नवंबर तक फॉर्म डलेंगे 15 लाख, तो अब क्या होगा, क्या बढ़ जाएगी इस डेट को, कैसे बढ़ाते हैं वो सरकार की तरफ से, आप लोगों के लिए सुविधा की गई है, कुछ लोग अब फॉर्म नहीं डाल पाए तो डेट बढ़ा दी गई, वैक्सीन की लास्ट डेट कब से चल रही, टेक अवे देना बोलते हैं, टेक अवे वही तो हम मारते, सीट नहीं है, अब हम करें तो लोग बोलते तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है, है? भाई हर कॉलेज क्या बोलता है, अपने यहाँ एडमिशन कराता है नहीं कराता, हम करा ले तो लोग तुम जोड़ने पकड़ने का काम करते हो, वाह मौसा जी आप करो तो शादी और हम करें तो मतलब क्या बर्बादी, आपने मजे ले ली हमारी जिंदगी, ठंडन बाबा निकल गया दोनों कहा नहीं इधर, तो कितना 10,000 वैकेंसी, अभी फॉर्म डल गए हैं, इतना डेट बढ़ा दी, टारगेट पूरा, डेट बढ़ा दी, अभी टारगेट पूरा, अभी टारगेट जो चीज पूरा हो गया तो अभी क्या बोलेंगे, वो तैयारी कराएंगे, फॉर्म डल चुके हैं 35 लाख, मैं 35 लाख मानता हूँ, 35 लाख में कौन सा एजुकेशन का कौन सा लोग होगा बताओ, क्या इसमें पीएचडी क्वालिफिकेशन वाला लोग भाग नहीं होगा, होगा ना, इसमें पीएचडी क्वालिफिकेशन वाला लोग होगा, इसमें इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वाले लोग होगा, इसमें डीएड बीएड वाले लोग भाग होंगे, इसमें बीएससी बीए बीकॉम बीसीए एमसीए ठीक है बीबीए वाले लोग होंगे, यस या नो, और हजारों की संख्या में होंगे, लाखों की संख्या में होंगे, जो मैंने आपको बता दिया, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री डिप्लोमा भी होंगे, ठीक है।
लेकिन लेकिन अभी इनको चाहिए कितने? सिर्फ 10,000, सिर्फ और सिर्फ 10,000। इन्होंने 10,000 लोग सिलेक्ट कर लिए, कितने बच गए? वो कितने बच गए जल्दी बताओ, कितना? 34,90,000 34,90,000 बचा। इनको क्या बोल दिया जाएगा? मेहनत नहीं किया। क्या बोला जाएगा? धर्मेंद्र, इन्होंने मेहनत नहीं की, यही बोला जाएगा ना? yes, तो क्या यार 34,90,000 लोगों ने मेहनत नहीं की? क्या 34,90,000 लोग बागों ने मेहनत नहीं की? अरे बहुत से बहुत यार, 10 लाख लोग बाग मेहनत नहीं करते, 15 लाख मेहनत नहीं करते, बात समझ में रहे? लेकिन क्या 34,90,000 लोगों ने मेहनत नहीं की? इस चीज को नहीं मानता मैं। किस चीज को मानता? जब आपने सिंगल प्रोफेशन के लोग बागों की जॉब वैकेंसी निकाली होती, समझ में आया? अगर कोई पर्सन टीचर का जॉब करना चाहता है तो उसका एजुकेशन क्या होना चाहिए? ठीक है, एटलीस्ट बीएड और डीएड तक तो होनी चाहिए ना? ठीक है, उसका ये एजुकेशन होना चाहिए। अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया है ना, तो उसके लिए अलग से वैकेंसी निकलना चाहिए था। यस यू नो, आप क्या कर रहे हो? सब कुछ मिक्स बना के चल रही हो, लोगों को मूर्ख बना के चलो, मूर्ख समझ के चलो, और कुछ नहीं है। अब 10,000 लोग बागों का इनका जॉब लग गया। अभी इसमें भी ट्विस्ट है, एक फोन का 700 रुपए ले लेगा तो 35 लाख लोग बागों का कितना होता है? और गवर्नमेंट का पैसा जाता है आरबीआई में, आरबीआई गवर्नमेंट को कितना परसेंटेज देती है? क्योंकि वो तो चलता है शेयर मार्केट में। और राकेश झुंझुन वाला 5,000 लगाए थे, समझ में आया? आज कितने करोड़ की संपत्ति है जो है शेयर मार्केट, सारी चीजें तो आपके ही हाथ में। मतलब जो जुआ वो जुआ होता है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे जुआ खिलवा रहा हूँ, सट्टा लगवा रहा हूँ, बात समझ में रहे? मैंने ही अपने 5 लोग खड़े कर लिए, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 2,000, मैं इधर में गिन के दे रहा हूँ, ये जीता 5,000 के 10,000, ये जीता इसे 10,000 के 15,000, बात समझ में रहे? तो हम वहाँ पर 2-4 लोग नए गए, वहाँ पर देख रहे हैं हम 100-100, 500-500 लगा देते हैं ना, और 5-5,000 के आ जाते हैं, बाद में 10 लोग मिलके अपने अपने पैसा बांट के चले जाते हैं, वो उनके ही लोग होते हैं वहाँ पे। हमारा कुछ समझ में? मुझे तो वो बात हो गई है। तो इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मजा कब आता? जब तुम सिर्फ 10,000 वैकेंसी निकालते ना, कितना? 10,000 वैकेंसी ना निकालते, तुम एक टास्क दे देते, क्या? जिसका भी 99% आएगा, 99% आएगा 100 में से, उन लोग बागों को मैं जॉब दूंगा, मैं गारंटी देता तुम्हें, टेंशन हो जाती, क्योंकि तब तो तुमने रियल मेहनत करने वाले लोग बागों को देखा ना। ये क्या, तुमने तो फिक्स जीत तो हार तो पहले फिक्स करके बैठे हो, और इसमें से 50% जॉब तो नेता लोग खा जाएंगे। yes, sir. ठीक है, 50% आरक्षण की भैंस चढ़ जाएंगी, अब बचा क्या? तो बाकी जो बची वो पैसा दे के ले लेंगे, और हम यही बोलते रहे, मैं गरीब हूँ तुम अमीर हो, समझ में आ रहा ना? यही करते रह जाएंगे। तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? तो अब बात करते हैं इस चीज की, नॉलेज क्या होना चाहिए आपके पास में? नॉलेज, लेकिन नॉलेज होना चाहिए अपने प्रोफेशन से संबंधित। आप नॉलेज लेके चल रहे हो दुनियादारी से ले, अब आपके पास में नॉलेज भी कौन सा होना चाहिए? अच्छा, आप लोग बागों को इंग्लिश बोलने का बहुत ज्यादा शौकीन है, आप जो बताओ, आप अपना पिताजी का नाम लिखते समय क्या बोलती? मिस्टर लगाते ना, मिस्टर किस इंसान के आगे लगता है, या मैडम किस इंसान के आगे लगता है, या मिसेस मगर ना? मिस्टर वो इंसान जो अपनी औरत के अलावा 10 औरतों के साथ में संबंध बना चुका हो, रात बिता चुका हो, उस इंसान को बोलते हैं मिस्टर। मिसेस वो औरत जो अपने पति के अलावा 10 लोग बागों के साथ में सो चुकी हो, मिसेस। और मैडम उसे बोला जाता है जो, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट की, मतलब जो प्रोस्टिट्यूट होते ना, उनकी जो सबकी मैन होती है, बार वाला जो भी हो, ठीक है, उसे बोला जाता है मैडम। समझ में आ रहा ना? हम किसी भी चीज की तहकीकात तक नहीं जाते। किसी ने बोल दिया स्मार्ट वेल बेकार, किसी ने बोल दिया एपीएल बेकार, फंस गए उम्र बाबा झोला।
समझ में ना, हम किसी चीज की तहकीकात नहीं करते, पूरी तरीके से जड़ तक नहीं जाते, ऊपर ऊपर की मलाई पहुंची और निकल ली है। समझ में ना, अगर किसी चीज को जानना चाहते हो तो उसकी जड़ तक जाओ, तह तक पहुंचो और फिर कहीं आंसर लो कि यार कि हाँ कि क्या। लेकिन कोई पर्सन आपको आज की डेट में पता, लोग बागों को भड़काना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भड़का कहाँ रहे हैं, भारत में भड़का कहाँ रहे हैं, भारत में। और भारत के लोग तो वैसे भड़के हुए होते हैं, क्यों? वो कान सुनी हुई बातों में विश्वास करते हैं, आंखों देखी बातों में विश्वास नहीं करते। अगर किसी ने बोल दिया ना कि तुम्हारी बाइक का चक्कर किसी और के साथ में चल रहा है, विश्वास है, वो होगी, वो पता था वो ऐसे ही होगी, रियलिटी है ना। दूसरा, इनका सेल्फ, कोई काम इन्होंने खुद किया तो इन्हें सेल्फ डिसीजन नहीं है। जैसे गांव वालों को मैं बोले ना, 10 गांव वाले मिलके एक समझदार बन जाते हैं, समझ में ना, 10 गांव वाले मिलके समझदारी दिखा देते हैं और जाएंगे, लड़का देखेंगे, बहू देखेंगे, ठीक है, और जो सारे समझदार लौट आएंगे, शादी हो गई। अब शादी तो आजकल के ऐसे खेल है, मतलब इंस्टाग्राम वाले, समझ में, हाँ तुम्हारा लड़का ठीक है, दना दना हमसे बोलो ना, हम शादी रातों रात करवा देंगे, ठीक है, तुम एक साल से पीस रहे यार, जी जी मरे जा रहे बराबर। अरे रातों रात हो जाएगी यार शादी, और लोग बोलते हैं कि शादी एक ही बार होती, दोबारा नहीं होती, हमसे पूछना, हम करेंगे आगे। देखो मान सिंह अपने मैन इंसान और उनकी 12 रानियां थी, समझ में आ रहा, और मैथ वाले स्टूडेंट हमें माना कि और नहीं हुई तो जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलेगी, और क्या, चलो आ जाओ, ठीक है। आपके पास में क्या होना चाहिए सर? नॉलेज। लेकिन कौन सा नॉलेज होना चाहिए? बात समझ में ना, मार्केट डिमांड लेवल नॉलेज नहीं होना चाहिए तुम्हारा, क्या करूं मैं, प्रोफेशन से संबंधित, मतलब एक रट्टा दिया ना मार्केट डिमांड, क्या होना चाहिए? आईटी, मार्केट डिमांड लेवल होना चाहिए। तो आपके पास आपके प्रोफेशन से संबंधित नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्ञान। क्या बोलेंगे? ज्ञान बोलेंगे, यस या नो? यस सर। और जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान होगा वो व्यक्ति क्या होता है? समझदार। क्या होता है? समझदार। और समझदार व्यक्ति अपना कैरियर चुन सकता है। इसके लिए वाई एजुकेटेड दुनियादारी होना जरूरी नहीं है, आपके पास में ज्ञान समझदारी होना जरूरी है। कैरी में नाती बोले तो अजय नागर, महीने के इनकम 40 लाख, समझ में, गेम एक्सप्रो, और ना जाने कितने यूट्यूबर है, डायनेमो, बात समझ में ना। और जीतू मैं उन लोगों के जो गेमिंग लाइन में, समझ में ना, ठीक है, इसके बाद में भुवन बाम से लेकर, ठीक है, आशीष चंद जलानी से लेकर, ठीक है, टेक्निकल गुरुजी से लेकर, जो टॉप मोस्ट इंडिया के यूट्यूबर है ना, यस यू नो, आज लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे, तो चाहे वो बंदूकबाज हो, चाहे कोई भी, आज के डेट में लाखों रुपए इनकम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी ब्यूटी खान जैसा लोग बाग भी, ठीक है, लाखों रुपए इनकम कर रहा है, हिटर्स हिट कर रहे हैं और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। उनका सीधा कहना होता है कि जब जिंदगी में आप अलग कुछ करने के लिए जाओगे जिसे समाज सोसाइटी में अभी तक ना आया हो समझ में, तो जिस व्यक्ति को जो चीज के बारे में ज्ञान नहीं होता है वो व्यक्ति ये नहीं बोलता कि मुझे इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, बल्कि वो राजकुमार ये बोल देता है ये खराब है। जे दो कप रखे हुए हैं, मैंने बोला चाय पी लो, एक इंसान ने चाय ली और पी ली, अरे मुंह जल गया मेरा, समझ में आ रहा है, मुंह जल गया मेरा, ऐसी चाय, अरे बेकार है, मुंह जल गया, चाय खराब होती है। दूसरा इंसान, उसने चाय ली, समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा और 10 मिनट में चाय पी गया, गांव के लोग ज्वाइन करता है, स्मार्ट में, समझ में आ रहा ना, जब नया लड़का तो भिंद रहा ना, सो घूमेगा कहीं तो मिल जाए, यहां फंस जाते नया लड़का, बात समझ में आए। अब इसका भी बेचारे का गलती नहीं है, इसके घर से ही बाहर, घर में ही इसको प्रैक्टिस की गई है शुरुआत से,
गांव के लोग बागों का अपने घर से कम मतलब है, दूसरे के घर से ज्यादा मतलब है। हमारे घर में चार दिन से रोटी नहीं बनी, लेकिन उनके घर में धुआं काय हो रहा, देख के आ बेटी आ देख क्या लड़का, बात समझ में ना। जैसे कि दूसरे के घर में रिश्तेदार का आ जाना, बाइक का आ जाना, बाइक से लोग बाग आ जाते हैं या कार से लोग बाग आ जाते हैं, तो आपकी मम्मी वगैरह आपको बोले है ना, जहाँ देख के तो अभी तो मन तक तरह कैसे है उनके घर को दिखगा तो नहीं आए उनकी बेटी क्या यस या नो, ये होता है कि नहीं, ट्रेनिंग हुआ कि नहीं, ठीक है। कई बार तो आपका मम्मी बोल देता है, बोल देती है कि ले बेटा उनके यहाँ से वो शक्कर मांगला या दूध मांगला या मिट्टी का तेल मांगला या चाट या सिंह का मांगला या प्याज मांगला या तनकसी लहसुन की गठिया मांगला या अदरक की गठिया मांगला, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। तो हम चले जाते हैं ऐसे बने, और पूरा ये जो व्यक्ति आया है ना, जब डिस्कवरी चैनल आया है उनके घर में, अब वो देखेगा उसका मकसद था दूध लेके आने का, लेकिन वो वहां पे जाके ऐसा खड़ा हो जाएगा कि ये बात है क्या कर रहे, क्योंकि इसे तो प्रैक्टिस कराई गई ना बेटा, उनकी मन तक बातें सुन लेना कि वो बातें क्या कर रहे हैं, समझ में ना। इसकी प्रैक्टिस तो पहले से, अब वो उधर से दूध दे रहे हो, दूध मिल गया, अब तुम जाओ ठीक है, चिपको होना है भैया जी तुम्हारे जैसे हम लोग बोलते ना, पैसा जमा कैसे करोगे, कैसे अभी दे रहे समझ में आ रहा है, हेलो yes, तो उधर में ये पूछता जी भैया है जी कुआ तुम्हारे, अरे तुम दूध ले यहीं, दूध लेके जाओ ना यार समझ में आ रहा है ना। तो अभी क्या है ना, वो पता करके आएगा, जैसे नया लड़के का एडमिशन होता है तो नया लड़का ठीक है, दो चार धक्का खाने के बाद फिर ऐसा आता है, मतलब ऐसे आएगा क्या हो रहा है यहाँ, अच्छा जो आवा है जो सीधा चलो, फिर वो तैसे नहीं करूँ भैया अपन पूछो ना क्या हुआ समझ में आ रहा ना। तो वो भी जासूस बन के आता है यहाँ। अब तुम लोग बोल रहे होगे दादा को कैसे पता ये सब, हम भी ऐसे थे समझ में। तो अभी सुनो, समझदार व्यक्ति, आपको एजुकेटेड होने से ज्यादा आपको समझदार होना चाहिए, नहीं तो एक से एक लोग डिप्लोमा डिग्री मास्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आपके ही गांव में खेती कर रहे हैं और एक चीज बोलते हैं कि इन्होंने मेहनत नहीं की होगी इसलिए इनका जॉब नहीं लगा, दूसरा इनकी किस्मत में जॉब नहीं थी, ये कुछ नहीं होता है, बात समझ में। इन सारी चीजों को नहीं, मैं नहीं मानता हूं, आपको समझदार होना जरूरी है। मैं जाने कितने उदाहरण मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा ठीक है, जो आज की डेट में कम एजुकेशन होने के बाद भी उनके पास बहुत बड़ा कैरियर है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़ी एजुकेशन है और वो आज में मिलियनर्स एंड बिलियनर्स है, मैं आपको बता दिया। यदि जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंदिरा नूरी, आज ये लोग करोड़पति अरबपति हैं कि नहीं, सुंदर पिचाई की एक महीने की इनकम है 177 करोड़, सुंदर पिचाई 177 करोड़, राजकुमार 177 करोड़ में कितने जीरो लगती, हमने 18,000 बैंक, तुम जो काज कार जो तो हमने सीख नहीं, नहीं तो तुम जो बताओ इनमें कंप्यूटर को बटन कहाँ है मैं आपको बता दिया ना, क्योंकि एक मेन क्वेश्चन तो ये भी होता है ना, क्या रहते कंप्यूटर सिखा भी ना, तो इधर कंप्यूटर दिखाने उधर बटन दिखाते क्योंकि गांव के लोग बागों का सब कुछ आंगन से दिख जाता है, यस यू नो, ये भाभी और भैया लगे आटा छानने में और यहाँ पे बब्बा सिगरेट जला, यस यू नो। अब शहर में लोग बागों के अपने अपने कमरा होती है, समझ में, उनके रूम्स बोले जाते हैं, और घर में कमरे नहीं होते, यहाँ तो दुबई होती है, फ्लोर होती है, वो समझ में आ रहा है, हेलो। और हम लोग कहाँ से आए, गाँव से या शहर से, अब अभी समझ में, हम इतने जासूस काय बन रहे, कहीं हमारे यहाँ पे आके एंटीना खड़े हो गए, समझ में आ रहा ना। हमने अभी यहाँ पर एडमिशन लिया थोड़ी दिन नहीं हुए, बात समझ में आ रहा, हमने अभी तक 15 साल 18 साल 12 साल पढ़ाई लिखाई किया, यस यू नो, 12 साल में अभी तक एक भी बार नहीं पूछा, समझ में आ रहा कॉलेज से कि सर अगर हम जिंदगी में कुछ ना बने तो मैं देख ले, लेकिन यहाँ 4 दिन नहीं हुए एडमिशन का, ठीक है, उस इंसान को तुरंत फोन लगा के बोलते हैं, अरे सुनो अगर हमारे तक कछु निभाओ ना तो फिर तुम्हें देख ले भी, हाँ ले तेरा समझदार हो भाई, समझ में, यहाँ पे तुरंत रिजल्ट चाहिए, ठीक है। मैं एक चीज में बताऊ, 12 साल तुमने पढ़ाई लिखाई कर ली ठीक है, अभी भी कुछ लायक नहीं हो,
तो कहा प्याज छिलत रहे 12 साल। समझ में आ रहा ना? क्लास 9th में सेल्फ डिपेंड था मैं, क्लास 9th में सेल्फ डिपेंड था मैं, अभी नहीं था, क्लास 9th में सेल्फ डिपेंड था। सोच के देखो एक बार। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप कैंटीना हमेशा ही हमारे लिए खड़े रहते ना, हम आपसे पूछ रहे ना, 18 साल पढ़ाई लिखाई की, 22-21 साल पढ़ाई लिखाई की, 18 साल और 22-21 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या एक भी सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाया गया जिसमें ये लिखा था कि पैसे ऐसे कमाते हैं? और अचानक जिंदगी में लोग बाग पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के आगे बाद में क्या बोलते हैं, चलो वो पढ़ाई लिखाई होगी तुम्हारी, इंजीनियरिंग हो गई, पैसे कितना कमाओगे आप बताओ? अब हम सोचते हैं साला ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। भाई तुमने बोला मैथ पढ़ो, हमने मैथ पढ़ ली, 2 और 2 4 हो रही है, इस पर हो, इस पर माइनस 2 ये पढ़ ली हमने, तुमने ये तो बोला ही नहीं पैसा कमाना है हमें करके, तुमने ये बोला परसेंटेज होगी, हम परसेंटेज लेके आए, समझ में ना? तुमने बोला मेहनत करो, हमने मेहनत की, परसेंटेज आए, लेकिन तुमने तो सिखाई नहीं पैसा कमाओ, पहले ही बता देते पैसा कमा तो एक सब्जेक्ट तो दिमाग में लेके चलते ना यार, परसेंटेज मैन इंपोर्टेंट नहीं है, लास्ट में जिंदगी में लोग क्या बोलेगा, पैसा कितना कमा रहे हो? तो क्या कोई भी सब्जेक्ट किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आया अभी तक कि आगे चल के सेल्फ डिसीजन से ज्यादा सेल्फ डिपेंड वाली चीज आएगी हमारी जिंदगी में? क्या किसी ने बोला? तो आपसे क्या पूछा जाएगा आगे चल के? और कौन सा सब्जेक्ट है जो अभी तक आपने पढ़ा है जिसमें पैसा कमाने के बारे में पढ़ाया गया हो? सब क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा ना? अब हम भी इसके बारे में नहीं सोचे, क्यों नहीं सोचे? हम इसलिए नहीं सोचे क्योंकि कोई और नहीं सोचा, तो हम भी नहीं सोचे। समझ में आ रहा ना? कोई और नहीं सोचा तो हम भी नहीं सोचे, क्यों? क्योंकि हम तो भीड़ पे विश्वास करते हैं ना, लोग भेड़ चाल चलता है, एक भेड़ कुआं में गिरेगी सारी भेड़ कुएं में गिर जाएंगी। अगर कोई बोले ना देखो ये है सूरज, देखो ये है सूरज, लेकिन वो 50,000 लोगों को खड़े करके बोल रहे हैं कि देखो ये है सूरज, तो 50,000 के बाद जो एक व्यक्ति आएगा ना वो भी यही बोलेगा, यस करेक्ट, यस या नो? तो यही बीएससी, यही इंजीनियरिंग, यही फार्मेसी, यही पीएचडी, सब के हाल है, यस गवर्नमेंट जॉब, यस गवर्नमेंट मर के खत्म हो गई, समझ में आ रहा? उसकी मैयत पे दूबा तक जम गई गवर्नमेंट जॉब, ओए नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, आईटी का जमाना आ गया, गवर्नमेंट जॉब। एक बार क्या हुआ, ठीक है, एक गांव में, ठीक है, एक चौकीदार था जो रात में निकलता था, वो बोलता था जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो, समझ में ना? एक दिन मुलाकात हो गई यार, अब वो चिल्ला रहा था जागते रहो, मैंने उसे देखा तो उसे तो दिखाई तक नहीं देता था, अब जाके पूछा भाई तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम दूसरों को क्या बोलते हो जागते रहो? बात समझ? बोला हमारा दिल है ना जो बहुत कमजोर होता है, क्या होता है? बहुत कमजोर होता है, इसको झूठ बोलना पड़ता है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में है ना? तो ऐसे कैसे तुम जाग में लगे, ठीक है कि सब मेहनत कर रहे हैं तो नौकरी तो लगे, ऑल इज वेल। अरे काहे को ऑल इज वेल, सामने देख रहे हो इतने सारे बेरोजगार हैं, तुमने यहाँ तो दिमाग लगा लिया ना, जिसे देखो वो एक आद की तुम फंस गए, अरे तुम अपने सामने इतने सारे बेरोजगार था नहीं देख पा रहे, वहां तुम क्या देख रहे? मेहनत नहीं की होगी, वाह वाह मेरे सत्तूलाल। समझ में आ रहा है? अब अरे बस समझ में, तो आपको क्या होना पड़ेगा? समझदार होना जरूरी है, समझदार व्यक्ति अपना कैरियर चुन सकता है, समझदार व्यक्ति ये देख सकता है कि मुझे क्या करना जिंदगी में, क्या नहीं करना, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या नहीं बनना चाहता हूँ। नहीं तो अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसका रीजन क्या है कि वो बेचारे कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज करने वालों की कमी नहीं।
मेरे से राजकुमार बोलता कि सर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले राजकुमार का टेस्ट लेता इट इज डिजर्व करता या नहीं करता, परसेंटेज गई तेल लगाने के लिए, ठीक है नंबर गए भार में, मैं पूछता तू डिजर्व करता या नहीं करता, तू क्या इंजीनियरिंग को तब भी कर पाएगा जब तेरे घर में शादी होगी, तू क्या इंजीनियरिंग को मैं कॉलेज में तब भी जाएगा जब तेरा मन नहीं करेगा, तू क्या इंजीनियरिंग को तब भी करेगा जब तेरे प्यार मोहब्बत या ब्रेकअप हो जाएगा, क्या तब भी पढ़ाई करेगा। अगर आंसर मिलता यस तो फिर बोलता बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज मत कर, इधर में पढ़ाई लिखाई करने से अच्छा है कि बड़ी जगह पर पढ़ाई लिखाई कर। समझ में आ रहा है ना, वो समय गया जहां पर ये बोलते थे डायलॉग मारा करते थे कि हमने डब्बी को जेल में बैठ के भी आईपीएस टॉपर कर लिया, वो समय गया यार। आज एजुकेशन धंधा बन चुका है और कुछ नहीं है, लेकिन आज में एरा गहरा नत्थु खेरा चमन खेरा चमन पली कोई भी जाके इंजीनियरिंग करना है, डिजर्व भी नहीं करता। आज में कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए जाता प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है, क्यों इंटरव्यू नाम की चीज गायब हो चुकी है। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया था, मेरे पीटी का टेस्ट लिया गया था, क्या लिया गया था तंतन से जो चिंटा पिंटा मतलब होता नहीं यार, हर किसी को एडमिशन मत दो। अब इतना कड़वा सच बता रहा हूं कि मतलब एक हिसाब से लोगों को जागरूक ही कर रहा हूँ, इम्पॉर्विंग ही कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो पेड़ बनाने में लगी है। बेटा पेड़ मत बनाओ नहीं तो पेड़ ही पर टंगे रह जाओगे। तो कहने का मेरा मतलब है सर, कोई भी बच्चा कुछ भी करने के लिए जाता नहीं यार, उसकी काउंसलिंग नहीं की जाती है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाती है। बाकी हर प्रोफेशन में होता है कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाती है, ठीक है। एमएस धोनी का प्रॉपर काउंसलिंग किया गया था, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद में मान लेते कोई भी है, अजय नांगर का प्रॉपर एक काउंसलिंग किया गया था, ठीक है, सुरेंद्र का भी प्रॉपर काउंसलिंग किया गया था और बोला गया था कि आपका लड़का सिर्फ यही करेगा, समझ में आ रहा ना, क्योंकि इसका वैसा नेचर है सिर्फ यही करेगा। ऐसा करके प्रॉपर काउंसलिंग के द्वारा लोग बागों को बुलाया जाता है। पीटी का टेस्ट क्रॉस करके 111वीं रैंक लगा, 25,000 लोग बागों में इंजीनियरिंग करने के लिए पहुंच गया, ठीक है। एक्सेलेंस स्कूल में जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए गया था तो वहां पर भी देखा गया था कि इस लड़के का परसेंटेज टेंथ में कितना है और जो सब्जेक्ट लेना चाहता वो सब्जेक्ट इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें इसका नंबर कितना है। मैथ में नंबर होने चाहिए थे 89, परसेंटेज होनी चाहिए थी 70 प्लस, तो 72 था मेरा, तो ऐसा करके एक्सेलेंस में एडमिशन मिला, ठीक है। अब आज की डेट में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो और आपकी 40-42% भी है ना यार, तो आपको इंजीनियरिंग करने में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर में पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो, क्या बोलते हैं एक्सेलेंस स्कूल में, ठीक है, आपकी परसेंटेज नंबर कितने आए उससे मतलब नहीं है, जो सब्जेक्ट चुनने वो चुन सकते हो, अगर नहीं है तो कोई चाचा का फोन लगवा देगा, कोई दादा का फोन लगवा देगा, हो गया काम आपका एडमिशन, समझ में आ रहा ना। अब जब ऐसी चीजें होने लगी, एजुकेशन के नाम पर धंधा होने लगे, ठीक है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या फिर अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपके पास ये पावर भी तो है ना यार, तो लोग बस ये देख के, और आज की डेट में हर कोई बिकने के लिए बैठा है। मैं आपको बता दिया क्यों बिकने के लिए बैठा है, आज की डेट में भारत में सबसे बुरी हालत है तो वो कौन से है प्रोफेसर। मैं आपको यहाँ भी एक चीज बताना भूल गया कि नॉलेज होता है टीचर के पास में, लेकिन टीचर का भारत में सैलरी नहीं होती है यार, ठीक है, उतना सम्मान नहीं मिलता है, क्या नहीं होता, उतना सैलरी नहीं दिया जाता। हॉवर्ड में एक टीचर का सैलरी होता है 16 लाख, भारत में एक टीचर का सैलरी होता है, एवरेज सैलरी होता है 30,000 रुपए। अब जिस पर्सन का 30,000 रुपए सैलरी हो, क्या वो मन से पढ़ाएगा और क्या उसका पढ़ाने में मन लगेगा क्या यार, समझ में आ रहा है। तो एक गुरु एक ऐसा पर्सन होता है, समझ में आ रहा है, जो एक बच्चे को जिंदगी में बहुत आगे तक लेके जाता है, क्योंकि वो गुरु इंटरनली काम कर रहा होता है उस बच्चे के ऊपर, यस या नो, और वो होता है नॉलेज, मुझे नॉलेज दे रहा होता है। आज के डेट में गुरुजी वगैरह खुद फ्रस्ट्रेटेड है, मैं आपको बता दिया, आज के डेट में तो ये बहुत बहुत होना आसान है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे बाद में उसी कॉलेज में आपको पढ़ाना चालू कर दिया और ये बोल दिया गया कि आपकी जॉब लग गई, ठीक है। अरे आप अपने सामने देखो ना, किस बंदे ने यार ये क्वालिफिकेशन किया और ये क्या वो कर पाया जो मुझे सपना दिखाया जा रहा है, और जब ये खुद नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा जी, तो वो बात हो गई, ठीक है, कि हम गए किस चीज की तैयारी करने के लिए, बैंकिंग का तैयारी करने के लिए। वहां पर हमसे बोला गया कि 100% तुम्हारी बैंकिंग में जॉब लगेगी, 100% बैंकिंग में जॉब लगेगी, लेकिन जो पर्सन ये बात मेरे को बोल रहा है वो क्या किसी बैंक का मैनेजर है, क्या वो किसी बैंक में कैशियर है, अरे उसकी खुद की जॉब नहीं है। अब वो आपको क्या बोल रहा है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। जो राजकुमार को बोल रहा है कि राजकुमार तुम आगे चल के इंजीनियर बनोगे, वो कौन सा इंजीनियर बन गया, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बन पाया जिंदगी में, तो मैंने जो पढ़ा था मैं दूसरों को वही पढ़ा रहा हूं,
ये तो वो बात हो गई, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, पापा जी की वजह से एक रोड का मुझे क्या मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसी कॉन्ट्रैक्ट, इसी रोड को ठीक है बार बार बना के बिगाड़ के बना के बगाड़ के मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी। चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी समझ में आ रहा है, लेकिन उसे वेल एजुकेटेड बोलेंगे क्या, उसे वेल ट्रेंड बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, वेल एजुकेटेड नहीं, पर ऐसा पढ़ाई लिखाई करके तुम कर क्या लोगे। मेरे को बोल रहे थे ना कि गलत जगह है, यहाँ फंस गए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दिया, उंगली उसी चीज पड़ती है जिसमें कोई बात होती है। आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में हर कोई बंदा ऐसा मिलता है जो इसकी बुराई करता है। मैं आपको बता दिया, अभी कुछ लोग बागों के पास और पहुंचना बाकी है। जिस दिन 2-4 पेपर में निकल गया ना, बड़े बड़े पेपरों में, कि छतरपुर में लोग बागों के EPL स्मार्ट बिलों में फंसाया जाता है ना, उस दिन मैं मान लूंगा कि मैं कामयाब हो गया इस चीज में। क्योंकि नाम होने से पहले बदनाम हर कोई होता है। यस सर। समझ में आ रहा है? इन सब चीजों से घबराओ नहीं, लेकिन लेसन लो। अगर कोई बोला कि सब बेकार है, सब फालतू है, आप आओ सारी मैडम के पास में और उनसे पूछो, लोग बाग मुझे मिले और उन्होंने बोला कि ऐसा है ऐसा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम देंगे ना आपको आंसर। मार्केट में फेलियर्स की संख्या ज्यादा है या पास वालों की? फेलियर्स। किसकी संख्या ज्यादा है? फेलियर्स। तो आपको मिलेंगे कौन? फेलियर्स। फेलियर्स मिलेंगे ना? यस सर। हर घर में, एक घर छोड़ के एक घर में आपको फेलियर्स मिल जाएंगे ना। दूसरा चीज है, आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हो, किस चीज के बारे में पूछ रहे हो। 10 गांव में अगर मैं जाऊं, 10 गांव में शायद 5 लोग बाग मुझे मिलेंगे इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वाले, और 100 लोग बाग मिल जाएंगे BA क्वालिफिकेशन वाले। यस या नो? अगर मैं इंजीनियरिंग का नॉलेज BA वालों से पूछूंगा तो वे क्या बोलेंगे? बेकार। समझ में आ रहा ना? क्या ABCD भी पता है उन्हें इंजीनियरिंग का? अगर मैं ग्लोबल सर्टिफिकेट का नॉलेज उन लोगों से पूछूंगा जिनकी सरकारी से ऊपर कोई सोच ही नहीं है, क्या होगा? क्या इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वाले पर्सन गवर्नमेंट जॉब के लिए इंजीनियरिंग करते हैं? अगर आपने इसके लिए किया होगा तो आप किसी काम ही के नहीं हो। समझ में आ रहा है? आप तो शादी कर लीजिए, आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले किसी बेटी का बाप को बेवकूफ बना सकते हो और उनको बोल सकते हो कि माय क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है, और वो ये सोच के तुम्हें 10 लाख रुपए तो दे ही देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बाग तो पढ़े लिखाई बीच में ही इंजीनियरिंग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि मकसद हुआ पूरा। हाँ, रियलिटी है यार, समझो। तो क्या ये इन लोगों का खुद का नौकरी है? जो इंसान खुद नौकरी नहीं कर सकता वो दूसरों की नौकरी लगवाएगा, जो खुद इंसान इंजीनियर नहीं बन पाए वो दूसरों को इंजीनियर बनाएगा, जो इंसान खुद डॉक्टर नहीं बन सकता वो डॉक्टर बनवाएगा, जो इंसान खुद एक्टर नहीं है वो दूसरों को एक्टिंग कराएगा, जो इंसान खुद नेटवर्कर नहीं है वो दूसरों को नेटवर्कर बनाएगा। नेटवर्कर। यस सर। तो समझो इधर, क्या मैं गलत सिखा रहा हूँ? लोग बात क्या है, बेचारे कंफ्यूज है, कोई क्या बोलता है, आप ये नहीं तो वो कर लो, आप ये नहीं तो ये कर लो, हर कोई सलाह देने के लिए बैठा कि नहीं बैठा। yes, और हम क्या करते हैं, हम बड़े बेचारे भोले भाले लोग बागे, 12th हमारी पास हुई, हम लोग बागों के पास में पहुंच जाते, यहाँ तक कि हमारे मम्मी पापा इधर उधर फोन लगाना भी चालू कर देते और लास्ट में हमें भेज देते, जाओ बेटा गुरु जी से पूछिए अब क्या करें। तो हम गुरु जी के पास में पहुंच जाते, गुरु जी हम क्या करें, वो समय गया जब गुरु जी थे, अब गुरु जी नहीं है। अब गुरु जी को मतलब गुरु जी को इतने ज्ञान होते तो बच्चा ना उनकी बात मानते, सही है गलत? लेकिन हमें पहुंचा दिया गया, जाओ ये करके आओ, और लोग हमें बोलते झूठ बोल रहे हैं यार, MS धोनी से सही हूं मैं, MS धोनी वो MPT यूनिवर्सिटी है ना, उसमें पढ़ाई नहीं किया फिर भी क्या बोलता है, आप अपने बच्चों की इसमें पढ़ाई लिखाई कराएंगे? मैं तो EPL में पढ़ाई किया ना यार। कैसी बात कर रहे यार, इसमें तो पढ़ाई लिखाई किया, और पढ़ाई लिखाई किया अच्छा लगा इसलिए बोल रहा हूँ। अभी कहना लोग बाग प्रॉपर कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए, हर कोई सलाह देने के लिए बैठा है, हर कोई बोल देता है ये करो वो करो, यहाँ से ये कर लो वो कर लो। उनसे बोलो आप जो बोल रहे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, अगर जिंदगी में नहीं बना तो फिर क्या। आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो ना, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, क्या एजुकेशन है आपका, आपका
आप ही बताओ इंजीनियरिंग करने का डिसीजन किसका था, क्या सोच के लिया? ग्रेजुएट है? तो ग्रेजुएशन कैसे हो जाएगा, कैसे हुआ? कोई और इंजीनियर बैठा यहाँ पे? मैंने डिप्लोमा किया तो इंजीनियरिंग का, मैंने डिप्लोमा किया तो आई एम ग्रेजुएट या डिग्री? चल छोड़, ये बात भी छोड़, अभी बता इंस्पायर किससे हुए थे इंजीनियरिंग करने के लिए? जैसे कि मैं कुछ बनना चाहता ना, तो किसी ना किसी पर्सन से इंस्पायर होता हूँ ना यार, ठीक है कि मैं यार उनके जैसा बनना चाहता हूँ, उनके माफत बनना चाहता हूँ, राइट है ना? तो किसी ना किसी से इंस्पायर होता, कभी कभी तो मेरे दोस्तों के साथ में भी इंस्पायर हो जाता, अब दोस्त भी कमी नहीं होते हैं, समझ में आ रहा? वो करो, अरे मजा आएगा, ऐसा वैसा करो यार, इंजीनियरिंग करो, यहाँ से जाएंगे वैसे जाएंगे, यहाँ पे कई बार मम्मी पापा जबरदस्ती कर देंगे, समझ रहे? तुम करो बेटा, हम तो हैं पैसा लगा रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन लेना, तुम तो जाओ करो, क्यों? उन्हें पता है उनका लड़का ने इंजीनियरिंग किया तो हमारा लड़का भी इंजीनियरिंग करे, उनके लड़का की CIT वो इंजीनियरिंग कर देगा, हम अपने लड़का का 40 में करा देंगे। अब आगे बात समझ में? अब तुम लोग बोल रहे हो दादा आप इंजीनियरिंग की बुराई कर रहे हो, तो मैं खुद इंजीनियरिंग किया और जो दर्द है ना मैं सहन करके आया ना, वो तुम्हें ना करना पड़े, बात समझ में आ ना? फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी होती है, सेकंड ईयर में पता चलता कि बिना CCA दिए भी CCA हो जाते, और थर्ड ईयर में पता चल जाता कि कॉपी घर में लेके जमा कर दो, और कोरोना में जो पता चल गया कि 12वीं बोर्ड भी पास की जा सकती बिना एग्जाम। सोचो ना, और गांव वाले अभी भी बेचारे क्या समझते हैं राजकुमार, 12वीं में, जैसे यहाँ पे कई 12वीं वाले बैठे हुए हैं ना, या 10वीं 11वीं वाले, इनके दिमाग में यही चल रहा होगा 12वीं में, और टीचर लोग अभी भी ऐसे आके बताते होंगे जिन्हें 12वीं पास कर ली ना वो की जिंदगी बन गई। 12वीं में ना बन, फोकस एक जगह बना, एक जगह फोकस होना चाहिए 12वीं में, और उधर में कोरोना से पास हुआ बच्चा हंसता रहता है। समझ में आ रहा है? हेलो, सोचो पढ़ाई से विश्वास उठ गया था, जब रिजल्ट आया पास हुए, उनकी भी परसेंटेज 70 थी, जो मेरी कॉपी लेके पास हो रहे थे। समझ में आ रहा ना? और आप लोग जो CCA जो इतने दे रहे हो ना बेटा लोग, और जो इतने ज्यादा CCA, अच्छा ये बताओ CCA का पहला चीज फुल फॉर्म क्या होता है? जो नहीं बताओ, यहाँ पे क्यों सारे एंटीना खड़े हो जाते सर? आप ये बताओ, इससे कुछ होता है ना हमारा? ये बताओ भाई, 6 महीने की पढ़ाई है, ठीक है 4 महीने की पढ़ाई है, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ तुम्हारा कर देंगे, इतना तुम्हें गारंटी देता हूँ, आप लिख के ले लो यार मेरे से, इतना तो गारंटी देता हूँ मैं कि आप 1 साल मेरे साथ बिता दीजिए, भले मेरा ड्राइवर बन के बिता दीजिए, अगर 1 साल बाद भी आप किसी भी कार के मालिक ना हुए तो मेरा नाम बदल देना है, क्योंकि नौकरी नहीं देता हूँ किसी को, मालिक बनाता हूँ। वो बोलते हैं ना पारस पत्थर, ठीक है, और सोने में जमीन आसमान का अंतर होता है यार, सोने से कोई चीज टच हो जाए तो सोना नहीं बनता, पारस पत्थर से कोई चीज टच हो जाए ना पारस पत्थर बना देती है। समझ में आ रहे ना? हेलो, यस, समझने की कोशिश करो, इसमें हम बोल सकते, ये बात कोई और बोल सकता है क्या? हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही हमें ना, हमसे आगे पीछे कोई नहीं है सर, समझ में आ रहा है? हमारे एक और सीनियर है, फार्मेसी किया TIT में, वो भी मेरा जब ST, आप लोगों के ST भी तो होता है दब्बे वाली कुर्सियों पे, बैठ जाओ तो पुट्ठे तक दब जाए, यस या नो? हमारी ST पी हुई थी TIT, उस टाइम पे बन रहा था, एक ईंट पे बैठे सामने सर और दूसरी ईंट पे बैठे हम श्रोता, ST पी हो रही थी हमारी, समझ में आ रहा है? हेलो, ऐसे ही फॉलो अप होता है हम लोगों का। और ना जो ये मेंटेलिटी के लोग होते हैं ना, जो किसी भी काम को करते वक्त ज्ञान ले लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं,
अगर इंजीनियरिंग वाला बच्चा अगर इंजीनियरिंग वाकई में वो डिजर्व करता है इंजीनियरिंग करने के लिए ना, कि खाना बनाते बनाते टाइम भी डेरिवेशन हर कर लेते हैं यार, बात समझ में। इस रास्ते में चलते चलते शॉपिंग वॉपिंग करते करते ठीक है डेरिवेशन हल कर लेते हैं। कई बार कई क्वेश्चनों के आंसर रूम में बैठ के सवाल हल करने में नहीं आए, लेकिन मार्केट में गया था कोई चीज़ लेने के लिए, वहाँ सोचते गया और वो हल हो गए। समझ में आ रहा ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। ये होते हैं इंजीनियर, लेकिन लोग मार्केट में इनको कुछ भी बना के चलता है। चलो आ जाओ अपने रिटर्न आ जाओ। तो मैं आपको क्या बोल रहा था अभी कि युद्ध किसकी वजह से हुआ था? दुर्योधन। द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ था। किसकी वजह से हुआ? दुर्योधन। दुर्योधन की वजह से हुआ था। क्यों? वो गया था कौन सा महल देखने के लिए? इंद्रप्रस्थ महल देखने के लिए। और वो महल था थोड़ा सा वो वैसा वाला जादुई महल से बोलेंगे या भूल भुलैया वाला, ठीक है। तो अभी मैं गया, इतना देखा पानी भरा है ठीक है, लेकिन वो गया उसने देखा बाद में उधर पानी नहीं था, उसने देखा इधर में आग जल रही है ठीक है, तो पास में गया तो उधर में आग नहीं जल रही थी, बस समझ में। ऐसे नेक्स्ट जगह गया उसने बोला कि जो पानी दिख रहा है भरा है लेकिन महल अच्छा है ठीक है, दिखाया गया ऐसा, वो बाकी में गया बाकी में कूद गया ठीक है। अब वो जाकर उसमें जब गिरा तो वो खड़ा हुआ तो द्रौपदी ऊपर बैठी थी, वो कौन क्या बोलते उसे क्या करना, तुम बिटिया नहीं से काया मांगत पानी, जब तक बेटा तुम्हारी नजर में बिटिया दिखात रहे ना तो मैं तक अच्छा ना कर पाऊ। हाँ सुनो, अरे इधर सुनो इधर सुनो। तो अभी वो क्या किया, पानी में गिरा अरे भाई शुरुआत किसी ने मुझे बताया था लड़कियों से बात करने के तरीके, या तो उनसे कॉपी मांग लो समझ में, या उनसे पानी मांग लो। हम अभी तक क्यों कुंवारे हैं, क्योंकि अगर हमने मांगा और उसने नहीं दिया वो तो ही छुट जाना, पर हम कुंवारे समझ में आ रहा ना। बस कुंवारे तो नहीं है, हमारे भी दो दो बच्चा है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड ठीक है, मतलब 17-18 हजार तो ई साइड होंगे और इतने ही साइड होंगे, बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। तो मैं मान लेता हूँ एक का नाम है पप्पी, एक का नाम है अंश, समझ में। तो ये अपना मैनेजमेंट है। चलो आ जाओ, तो वो गिर गया पानी में। अभी पानी में जैसे वो गिरा तो द्रौपदी कहाँ बैठी थी? ऊपर। अरे उसे क्या बोलते, बालकनी। वो बालकनी में खड़ी खड़ी दुर्योधन के ऊपर हंसने लगी। समझ में ना, यहाँ से सीख मिलती है कि गर्ल्स को कभी किसी भी पर्सन का, खासकर पुरुष है तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप समझदारी दिखाओ वहां पे। सिर्फ ये चीज हुआ। फिर इसके बाद में क्या हुआ, द्रौपदी को उसने देखा ऐसे और द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधे का बेटा अंधा। समझ नहीं आ रहा ना, अंधे का बेटा अंधा। अब बोले तो जी बुरा लगने वाली बात है, उसे बुरा लग गया और उसने बोल दिया कि मुझे अंधे का बेटा अंधा बोला ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि एक दिन। समझ में आ रहा ना, उसने ये बोल दिया। बल्कि उसे समझदारी दिखानी चाहिए थी, समझदार बन जाता वो कि इसने बोला अंधे का बेटा अंधा तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका ये बोलने से अंधे का बेटा अंधा हो जाएगा? नहीं होगा ना यार, नहीं होगा। और वहां से वो निकल जाता ठीक है। अंधे का बेटा अंधा कब हुआ? जब उसने वो मान लिया। यस या नो? आपको लोग बोलता है ना कि जो फंस गया वहां पे, पैसा खवा दिए इसने, और हम तो जे सोच रहे तुम्हारे जैसा है समझदार व्यक्ति जिसका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है वो भी फंस गया यार, तो फिर युवा हार्ट हो जाता है, हैं मुझे फंसा लिया, तो फिर हम उसे ढूंढते हैं जिसने हमारा एडमिशन कराया। समझ, उसे फोन लगाते हैं, बेटा अगर हमारा तक कछु ना भावना तो तुम्हें गाड़ दे भी। समझ में आ रहा ना? यस, होता है ऐसा कि नहीं होता है? अब फंसे, मतलब रिएक्ट किया ना, अब फंसे।
नहीं तो सर्वस्व बोल के यार बोल दो अपनी आप को। जब मिट्टी कुम्हार के पास जाती है ना, जब मिट्टी कुम्हार के पास जाती है तो एक मूरत बनने के लिए सबसे पहले कुम्हार पैरों से कचरता है उसे, फिर इसके बाद एक थप्पी पे सॉरी एक चक्के पर घुमाता है, आकार देता है और एक थप्पी से मारता है और फिर बाद में उसे आग के गोलों में लगा देता है ताकि एक अंश भी इसका ना रह जाए बिना तपे। अगर रह गया तो कीमत नहीं लगेगी यार। तो अपने आप को कच्ची मिट्टी की तरह ही अपने आप को सौंपना पड़ता है, तब कहीं कीमत लगती है सर, और तब कहीं जिंदगी आकार लेती है। हम तो अभी से ही बोलने लगे, समझ में आ रहा ना? यस। कुछ क्या है यहाँ पर, समझदारी दिखाओ। आज की डेट में जाने कितने लोग बाग हैं जो आज की डेट में ठीक है, उनका इतना बड़ा एजुकेशन नहीं है। धोनी का एजुकेशन, विराट कोहली का एजुकेशन आप देख लीजिए क्या है। फिर इसके बाद में आपका कैटरीना कैफ हो या सलमान खान हो ठीक है, या कोई भी पर्सन हो ठीक है, उनका एजुकेशन क्या है। अब इसमें बात आ जाती है, उनका प्रोफेशन अलग था, उनको कैरियर चुनना था। बात समझ में आ, आपका प्रोफेशन अलग है, सबसे पहले डिसाइड करो कि मैं बनना क्या चाहता हूँ ठीक है। और जब आपने देख लिया कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, फिर ये देखो कि मुझे अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे बाकी चीजों का नॉलेज लेना है या नहीं लेना है, आपको ये देखना पड़ेगा ठीक है। तो चलें देखने के लिए। तो महाभारत किसकी वजह से हुई थी? दुर्योधन। किसकी वजह से हुई थी? और अगर आपके मम्मी पापा आपसे पूछे किसकी वजह से हुई थी, क्या बोलोगे? दुर्योधन की वजह से। और मम्मी पापा क्या सीखा के आए हमारा लड़की है, क्या सीखा हमारा लड़की उधर में जाके? तो मैं आपको रियलिटी बता दिया सर क्या कैसा है। और कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा, बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं ना। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में एक चीज होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, शायद आज नहीं हो पा रहा मेरे चाहते हुए। मेरे अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा, आप लोग ने जिस दिन चाह लिया ना उस दिन अलग कहानी हो जाएगी। मैं क्या बोला, स्मार्ट वैल्यू में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। भगवान ने इतना दिमाग बुद्धि दिया कि आज भी कीमत 50,000-1,00,000 तक लेके जा सकता हूँ मैं, समझ में आ रहा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू क्यों कर रहा हूँ, एक मिशन के तहत हूँ मैं। तुम एक सिटीजन टू बी कम आईटी लिटरेट, तुम एक सिटीजन टू बी कम आईटी लिटरेट मतलब मार्केट में चल रहा है क्या आईटी, मार्केट में क्या चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी ठीक है। और आज भी छतरपुर जैसा जगह पे लोग बागों को बेचारों को उसी एजुकेशन में फंसाए जा रहे हैं। भारत देश में पिछले 20 साल में बहुत कुछ बदला, नहीं बदला तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम, क्या नहीं बदला भारतीय एजुकेशन सिस्टम। और आज भी वही पद्धति है, आज भी बेचारे बच्चे उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है राजकुमार बताता हूँ तुम्हें ठीक है। अभी देखा आपने देखा होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, 85% या 80% वहां पर केस स्टडी होती है। क्या होती है? केस स्टडी होती है। फिर इसके बाद में वहां पर लगभग 15% ठीक है, कितना 15% प्रैक्टिकल होता है। फिर इसके बाद में बाकी जो 5% बचते हैं इसमें 3% हो गया लेक्चर और 2% हो गया थ्योरी ठीक है। और भारत में वहीं अगर आ जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर लगभग 80-85% थ्योरी होती है ठीक है, प्रैक्टिकल यहाँ पर 10% होता है और लेक्चर 5% होता है। केस स्टडी नाम की चीज नहीं होती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। जो प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट आपको बोला जाता है कि आपको इस तारीख को ये प्रोजेक्ट, कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता है किसी ना किसी चीज का, और बोलते हैं कि आप जमा कर दोगे तो वो बच्चे पता उस चीज को समझ के उस चीज के ऊपर काम करके उस चीज का केस स्टडी करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कराते। बल्कि कॉलेज के सामने ही एक दुकान होती है जिस दुकान में कई पहले से बने बने प्रोजेक्ट रखे रहते हैं और वो कॉलेज के द्वारा बेचे गए ही प्रोजेक्ट है। आप पेज फाड़ते हो, कॉपी बनाते हो, ये इस चीज का प्रोजेक्ट है और आप जाके सबमिट कर देते हो। ऐसा प्रोजेक्ट अगर सबमिट करने से ठीक है आप पास हो जा रहे तो एक बात याद रख लेना, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपके पास में डिप्लोमा डिग्री आ जाएगा, लेकिन आप जिंदगी में कभी कैरियर नहीं बना पाओगे। अब आ रहा कुछ समझ में? तो यहाँ पर केस स्टडी नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं करता। केस स्टडी मतलब किसी भी चीज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए। मान लेते हैं केस स्टडी में अगर कोई चीज डिस्कशन की जाती है तो वो इंसान भूलता नहीं है, लेकिन वो केस स्टडी में डिस्कशन किया गया हो ठीक है। भारत में परमाणु बम कब किसने किस
के द्वारा बनाया गया था और कौन कौन सी संधि अमेरिका के साथ में हुई थी, ये हर किसी ने पढ़ा है, लेकिन आपने पढ़ा और भूला। भारतीय स्टूडेंट कैसा होता है, भारतीय स्टूडेंट एक ऐसे स्टूडेंट होता है जो साल भर में जो चीज पढ़ता है वो नॉलेज एग्जाम तक सीमित रखता है, एग्जाम खत्म वो नॉलेज खत्म, अब अगले साल नया नॉलेज। यानी कि यहाँ पे जितना भी लोग बैठा होगा उसे नाइन्थ क्लास में जो इंग्लिश की बुक उसने पढ़ा है, नाइन्थ क्लास में इंग्लिश की बुक का जो सब्जेक्ट है नाइन्थ लेसन का, वो मेरे को बता दो तो मैं मान जाऊं। संस्कृत लोग पढ़े लिखाई करके आए होंगे, ठीक है, संस्कृत में, ठीक है, सिक्स लेसन का जो नाम है उसका नाम बता दीजिए, सर तो कोई नहीं बता पाएगा। हम ऐसा करते हैं, हमारा जो मेंटलिटी है ना वो किस प्रकार से, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जैसा अभी तक पढ़ रहे थे ना, अगर यहां भी आप वही मेंटलिटी से अगर पढ़ोगे ना तो यहां पर भी आप ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ने वाले, मैं आपको बता दिया। यहां से थ्योरिकल प्रैक्टिकल ज्ञान लेके चले जाओगे। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर आप यहां से कंप्यूटर सीखते हो, आपको डिप्लोमा या फिर जो भी सर्टिफिकेट है, एक्सेलेंस सर्टिफिकेट है, ये भी प्रोवाइड हो जाएगा, फिर भी आपको प्लेसमेंट निकालने में और पैकेज को लेने में नाक चने चबाने पड़ जाएंगे, मैं आपको बता दिया क्यों, क्योंकि यहां से भी आप जो ज्ञान लोगे वो आपके उस चीज में 30% काम आएगा, 70% आपको यहां से जाने के बाद आपके घर में वो चीज प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग बाग हैं जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, मैं आपको बता दिया, ये लोग बाग टेम्पररी रखते हैं, बल्कि ये चीज होती है परमानेंट, समझने की कोशिश करो, ठीक है, लोग बाग इसे टेम्पररी समझता है, मेरे हिसाब से ये चीज परमानेंट होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का अगर बात किया जाए ना, तो यार जिस चीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे रिजल्ट वहां से निकलेगा, जिस चीज को समय देंगे रिजल्ट वहां से निकलेगा, ठीक है। रिश्तेदारी में समय दोगे तो आपको रिश्तेदार जानने लगेंगे, ठीक है, रिश्तेदारी में आपकी अच्छी सी वो हो जाएगी। दोस्तों में समय दोगे, निशान दोस्तों में समय देता है, उसके दोस्त ही दोस्त है, हर कोई उसे जानता है, जिस दिन यहाँ समय देगा यहाँ पर हर कोई उसे जानेगा, एक फैक्ट तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम जहां इंस्टाग्राम में समय दोगे, इंस्टाग्राम पे आपके दोस्त दोस्त बनेंगे, बात समझ में, ओ भाई मेरा भी इंस्टाग्राम है, फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट्स कर देना, ठीक है। देखो लोग बोलते हैं मांगने से भीख मिलती है, नहीं, इनवाइट भी आते हैं, डीडी भी बनती है, और फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं, लाइक्स भी आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सोचना यार, हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे क्या, ठीक है। तो अभी इन्वेस्टमेंट को लेकर समझ लो कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए। हमारे माता पिता, राजकुमार इधर आ जा, तेरे से अच्छी बात हो रही है, तेरा नाम मुझे पसंद आ गया, पता नहीं क्यों पसंद आ गया, पर्सनालिटी जबरदस्त है, ठीक है, आ बेटा। अभी अगर बात किया जाए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस चीज को समझा, अगर तुम इस चीज को समझ गए ना, समझ रहे, तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि सर यहाँ पे बताते क्या। और जो लोग बाग ये बोलते हैं ना कि यार वहां पे सिर्फ लोग बागों को जोड़ना पकड़ना बताते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ठीक है, तो उनको बता पाओगे कि यार वहां पे ये भी नहीं बताते, उनके साथ साथ में ये भी बताते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को समझो, मैं आपको बता दिया, अगर किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो रिजल्ट वहां से मिलेगा, समय जहां दोगे वहां से आपके रिजल्ट मिलेंगे। मान लेते हैं यहाँ हमारे आसपास लोग बाग इन्वेस्टमेंट समझता है कि कार लेने से कई ज्यादा है कि प्रॉपर्टी ले लो, इस चीज को मैं भी समझता हूँ, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मैं कौन से प्रोफेशन में हूँ। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे वहां पे क्या दिखाने पड़ेंगे, बंगलो, बंगला है, ऐसा है, मेरे पास इतने घर है, ये दिखाना पड़ेगा, मैं राइट रहा हूँ। लेकिन मैं जिस बिजनेस में हूँ वो है नेटवर्किंग का, ठीक है। अभी मैं नेटवर्किंग का जो बिजनेस होता है ना वो सिंगल मार्केट नहीं होता है, कहाँ क्या नहीं होता है, सिंगल मार्केट नहीं होता है, इनके अलग अलग स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट और बहुत जगह होते हैं। तो ये अपना बंगलो हर जगह लेके नहीं जा सकते, ठीक है। लोग बाग बोला कि आप प्रॉपर्टी बनाना चाहिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होता है। मैं इलॉन मस्क से सीखा कि उस व्यक्ति ने अपना कंपनियों, ठीक है, को समय देने के लिए घर एक फिजूल इन्वेस्टमेंट समझा था, जो उसने बोला था एक इंटरव्यू में कि घर मेरा समय खराब करता है। Yes, समझ में आ रहा है। तो जो दुनिया का सबसे मैन इंसान है यार, उससे अमीर कोई है नहीं है, जिसकी संपत्ति 16 लाख करोड़ हो चुकी है, 17 लाख करोड़ हो चुकी है, लाख करोड़, वो व्यक्ति बोल रहा है कि आपके पास में ये चीज होना जरूरी नहीं है, हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जीता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारे माता पिता एक चीज को समझते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उनके हिसाब से क्या होता है कि घर खरीद लो, प्लाट खरीद लो, ऐसा खरीद लो, वैसा खरीद लो, बात समझ में आ रहा। मैं आपको एक चीज मैं मानता हूं कि घर में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो जो दूसरी साल दुगना मिलेगा, तीसरी साल तिगना मिलेगा, चौथी साल चार गुना मिलेगा, 10 साल बाद 10 गुना की कीमत की मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करो अपने नॉलेज के ऊपर,
किसके ऊपर? नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। किस चीज के ऊपर राजकुमार में बोला? नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि नॉलेज के ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक मतलब अनंत बूझलवा आपको इतना रिटर्न देगा। क्या देगा? इतना रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इस पे किया गया इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इस पे कीमत लगती है। सुंदर पिचाई ने ठीक है कहां इन्वेस्टमेंट किया? एलन मस्क ने कहां इन्वेस्टमेंट किया? सत्य नडेला ने कहां इन्वेस्टमेंट किया? समझ में आ रहा ना? नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। अब हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हमें क्या चाहिए? एजुकेशन। तो राजकुमार का मम्मी पापा राजकुमार को क्या बोलता है? ठीक है, अभी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतना याद रखो तुम। ठीक है, बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसमें बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा दूसरा तरफ लेते हैं शादी। ठीक है, तो अभी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करा नहीं। यहाँ लड़के का एजुकेशन मम्मी पापा करा देंगे सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूलों का पढ़ाई लिखाई आप जानते हो, सरकारी स्कूल का पढ़ाई लिखाई, सरकारी कॉलेज का पढ़ाई लिखाई, सरकारी टीचर का पढ़ाई लिखाई जानते हो। सरकारी स्कूल का टीचर का घर और प्राइवेट स्कूल के टीचर का घर में जमीन आसमान का अंतर होता है। यस या नो? यस। तो हमारे माता पिता हमारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर नहीं करते, वो क्या बोलते? सरकारी स्कूल पर कर लो। तो आपका पढ़ाई कौन से स्कूल में हुआ? स्कूल सरकारी स्कूल में हुआ। यस या नो? यस या नो? हमारा अधिकतर जो हुआ ना वो सरकारी स्कूल में। यहाँ अधिकतर लोग, आप जी बताओ महाराजा कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में कितने लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, या सरकारी स्कूल में कितने लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, मैं आप ईमानदारी से बताना यार, सिर्फ अकेला काफी नहीं हूँ दुनिया को जगाने के लिए। जिस दिन ये बात आपको समझ गई ना, उस दिन आप जोड़ना पकड़ना भूल जाओगे, और उस दिन के बाद ना जाने कितने लोग बाग हैं जिन्हें हम बचा पाएंगे, उनकी मेहनत पसीने की कमाई समझ में आ रहा है, बचा पाएंगे और सही जगह उन बेचारों के इन्वेस्टमेंट करा पाएंगे। सिर्फ ये एक अलग दुनियादार है, बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है बस। तो आप लोग जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते हो, आप खुद बताओ, जब आपको चोट लगती है और आप इलाज सही कराना चाहते हो तो कहाँ जाना चाहोगे? सरकारी हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल? है जी, प्राइवेट। अच्छा आप जी बताओ, अगर आपको बेस्ट एजुकेशन बेस्ट नॉलेज चाहिए तो सरकारी स्कूल जाना पड़ेगा या प्राइवेट? प्राइवेट। कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट। तो सरकारी क्यों कर रहे हो फिर? पैसे बचाने के लिए। आप जी बताओ, आप महाराजा कॉलेज में क्यों गए हो? क्या सरस्वती कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं होता? महाराजा कॉलेज क्यों गए? यहाँ तक कि तुम भी महाराज में हो। बात समझ में आ रहा मेरा? क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आप मेरे को बताओ? भाई तुम कहां से इंजीनियरिंग कर रहे हो मुझे बताओ? गठोरा से कर रहे हो इंजीनियरिंग। ये बताओ तुम दिल्ली से क्यों नहीं किया इंजीनियरिंग? सर मेरा एजुकेशन से कोई मतलब नहीं सर। हां मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, सपना था क्रिकेटर बनने का। अरे तुम मेरी बात, पढ़ाई तो सर ऐसे ही करते। अरे तुम मेरी बात मत बोला, अभी मेरे जज्बात उतर रहे हो। तुम पुराना प्यार जगा रहे हो मेरा, हमें याद आ गई तो फिर हम रोने लगेंगे। देखो मोहब्बत थी हमें क्रिकेट से। मेरा एडमिशन नीरज ने कराया, उससे भी पूछा है नीरज, उसको भी सर एक बात पता है, इसका काम में मन लगता मतलब सिंपल सा है। अभी ना बैठ जा, तू बैठ जा, मैं क्या बता रहा हूँ, जिस काम में दिल न लगे वो दिल से नहीं होता। इसका क्या नहीं था, इंजीनियरिंग में मन नहीं लग रहा था, ये नहीं जाना चाहता था। अगर माता पिता अगर इन्वेस्टमेंट करते थे क्रिकेट बेस्ट एकेडमी में, चाहे आपका इंदौर चले जाते चाहे दिल्ली चले जाते, यस या नो? मान लेते हैं जी लड़का वहां पर क्रिकेटर नहीं भी बन पाता, लेकिन ए पर्सन इतना नॉलेज ले लेता कि छतरपुर में भी खुद की एकेडमी खोल लेता। मैं राइट दे रहा हूँ, ये होता है एक सही रिटर्न। बैठ जाओ राजकुमार, ये होता है क्या, एक सही रिटर्न। यही बात तो मैं अपने मम्मी पापा को बोल रहा था, पसंद होए ठीक है बेटा, तू टेंशन मत ले सर, समझ में आ रहा है? तू जिस बात कर रहा है ना, थोड़ा सा स्टेट लेवल तक खेल चुका हूँ मैं, ललितपुर सब जगह खेल गया है। महाराज कॉलेज वाले पकड़ के लेके जाते थे,
तो तुम्हें कौन सी बॉल फेंकवाने, तुम ये बता दो, स्लाइड करवाने, दूसरा गुगली, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, योर कर, बाउंसर, ठीक है, स्लो बॉल कौन सी करवाने चाहिए बताओ। अपर कट मारना है, इधर से उठा के मारना है, या पुश मारना है, या स्ट्रेट ड्राइव मारना है, कवर ड्राइव मारना है, या कौन सा मारना है बताओ। तो दिल के इंसान मिल गए ना बेटा, आप तुम्हें स्मार्ट वैल्यू करने और कुछ नहीं। देखो यहाँ भी क्रिकेट होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप फोटो वोटो देखोगे ना, ठीक है, तो ये भी इधर भी बहुत बड़ा क्रिकेट, क्या पता तुम्हें यहीं से मंच मिल जाए। हाँ देखो मैन क्या रहता ना, अपन कोई ऐसा क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। अभी तुम इंदौर जाओगे ना, क्या नाम है यार उसका, वेंकटेश अय्यर अभी उसमें आए ना, इंडियन क्रिकेट में आए ना, वेंकटेश अय्यर, ठीक है। आपने देखा होगा इंदौर में एक पर्सन है सुमित, सच में जानती हूँ, एक मैं मुलाकात करता रहता एक लड़के से, ठीक है, उसका नाम है सुमित, ठीक है। और सुमित जो दोस्त है वो वेंकटेश अय्यर का है, ये लोग साथ में खेला करते थे, ठीक है। सुमित का एक्सीडेंट हुआ पैर, समझ में आ रहा है, तो जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाया, वेंकटेश अय्यर उसी का दोस्त है और इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है, और सुमित लास्ट 10 साल से हमारे साथ में काम कर रहा है, समझ में आ रहा ना। और वेंकटेश अय्यर क्या एसटीपी हो चुका था, डीडी नहीं बनी थी बेचारे के पास पैसा नहीं थे, आज उसके पास बहुत सारे है। अमर भाई ने लोग समझ में आ रहा ना, तो तुम सही जगह पे हो बेटा, यहाँ पर टैलेंट को तराशा जाता है, आपके हिसाब से आपको जिंदगी जीने का अपॉर्चुनिटी हम देंगे, ये हम बोलते हैं, ठीक है, रहो ना हमारे साथ। मैं बोला ना, हमें टैलेंट को निखारने का काम आता है, क्या आता है, टैलेंट को निखारने का काम, ठीक है। तो अभी इन्वेस्टमेंट को समझो, इस चीज को समझो, ठीक है, आपका दिमाग ओपन करने का काम कर रहा हूं मैं, क्यों इतना सारा समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है, मैं आपका माइंड को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अभी 5 मिनट में 10 मिनट में इधर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्या बोला, बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, जैसे कि मेरा बहता था, ठीक है, हाँ, और असम एकेडमी में सिलेक्शन मेरा बैठा है, मैं अपने पिताजी से कभी आप लोगों को मुलाकात कराऊंगा, ठीक है, और वो बताएंगे कि हुआ क्या था, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, आपने गली क्रिकेट जब नाम आया होगा तब आप छोटे होंगे बहुत ज्यादा, तो गली क्रिकेट करके भारत में एक बहुत बड़ी मुहिम चालू हुई थी, और वो गली से उठा के क्रिकेटर्स को लेके जा रहे थे, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं रणजी वगैरह में स्टेट लेवल तक लेके जा रहे थे। तो ऐसा करके मैं खेला करता था आपका महाराजा कॉलेज के जो ग्राउंड है ना उसमें आके खेला करता था, एकेडमी यहाँ पे चला करती थी, स्वामी दयानंद करके सरस्वती करके ऐसी एकेडमी हुआ करती थी। इससे पहले जबलपुर में क्या नाम है उस स्कूल का, अहिल्या करके ऐसे स्कूल था, ठीक है, उसमें मैं पढ़ाई लिखाई करता था, और वहीं पर क्रिकेट का मैंने क्या किया, कोचिंग किया, तो 2 साल क्रिकेट का कोचिंग किया, ठीक है। मेरा जिंदगी का शुरुआत टेनिस बॉल से नहीं हुआ, मेरा जिंदगी का शुरुआत हुआ था लेदर का बॉल से, कॉर्क से बॉल के खोला, और यहाँ के बच्चे अधिकतर टेनिस की बॉल से खेला करते थे, समझ में आ रहा ना। फिर ऐसा करके यहाँ पर खेला करता था, महाराजा कॉलेज की तरफ से भी खेला, ठीक है, आपका ललितपुर भी खेलने के लिए गया मैं, और छोटे मोटे टूर्नामेंट वगैरह खेला करता था, क्योंकि मुझे जरूरत थी पैसे की, पैसे की इसलिए जरूरत थी क्योंकि 9th क्लास 10th क्लास 12th क्लास मैंने जो पास किया था ना, तो इसकी किताबें खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जहां से होके गुजरे हैं ना, अगर वो आपको बता दिया ना, तो पूछो ही मत, आपका शौक होगा क्रिकेट, मेरी चाहत थी, क्योंकि अपने आप को समय नहीं देना चाहता था, लोग बाग जब बॉल फेंका करते लोग बागे बच्चा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो देरी वगैरह खेलने के लिए गया था, कई जगह भी खेलने के लिए गया, तो लोग बाग ऐसा जानबूझ के, ठीक है, दाऊ साहब लोग ठाकुर लोग बाग बॉल मार देते हैं ऐसा वैसा, तो मार देते थे। अभी क्या हुआ, तुम भाई मुझे मार सकते, छोटा सा दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओ। और मैं एक चीज जानता था बहुत पहले बचपन में ही, ठीक है, पढ़ाई थी, क्रोध एक इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाता है, तू बेटा मेरे ऊपर गुस्सा दिखा, तेरी बॉल को बहा मारूंगा, तो जहां तूने सोचा नहीं, छोटा सा बच्चा मार दिया उठा के 6, ठीक है, तुम इस तरीके से पैसा कमाया। और फिर सिलेक्शन हुआ था असम यूनिवर्सिटी में, आपने तारे कारिक का नाम सुना होगा, समझ में आ रहा है, और यहाँ के नौगांव के कुछ लोग बागों का नाम सुना होगा, ठीक है, वो साथ ही में खेलने वाले थे, सबसे छोटा मैं ही था, एज थी मेरी 15 साल 14 साल,
समझ रहे हो? तो जो सब कुछ हुआ, अभी रॉबिन्सन आया, ठीक है, नौगांव भी गया था, नौगांव भी गया, उसने छतरपुर में भी खेला, ठीक है। तो वो लोग तीन तीन बॉल करके खेलने के दिया करते थे, ठीक है, और तीन तीन बॉल में बोला करते थे कि आपको बॉल फेंकना है। तीन बॉल मेरा ऐसा कोई भी शॉट नहीं था कि रन बनाया हो, ऐसा कोई भी शॉट नहीं, ऐसा कोई भी बॉल नहीं था जिसमें मैं किसी को आउट कर सकता हूँ। बात समझ में, मेरा कोशिश था स्विंग कराऊंगा मैं बस, ठीक है, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों आती है, ठीक है बस। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी उस पर्सन ने ना जाने क्या सोच के सिलेक्शन दे दिया मुझे। और पूरे यहाँ पर लगभग 150 से ज्यादा एक से एक अलग अलग जगह के बल्लेबाज आए थे और गेंदबाज आए थे, मैं दोनों में ही सिलेक्शन था, ठीक है। और छतरपुर से एक लड़के का और सिलेक्शन हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, 70,000 रुपए लगना था एकेडमी का। और तब मेरा घर का स्थिति ऐसा था कि मतलब मेरा दोस्त एक्सीलेंस में पढ़ता था, ठीक है, तो उसकी शर्ट और पैंट पहन के मैं एक्सीलेंस जाया करता था पढ़ाई करने के लिए, समझ में आ रहा ना। और जब मैं एक्सीलेंस में मेरा नाम लिख रहा था तब मैं दो कलर की चप्पल पहनी था, एक नीले कलर की एक लाल कलर की। तो दोस्त का ही मतलब जूता पहना, दोस्त का ही ड्रेस कोड पहना, मतलब वो कोचिंग पहना। अब वो मैं था हाइट में छोटा पतला सा था, वो थोड़ा सा मोटा वोटा था, तो उसके कपड़े मुझे ढीले ढाले होते थे, ठीक है। तो वहीं के एक टीचर ने बोला था कि जब लोग बागों की पढ़ाने की औकात नहीं होती है तो बच्चे पैदा क्यों कर लेते, समझ में आ रहा ना। तो दिल में बात तो लग जाती भली गरीब, तो क्यों क्रिकेट में। अब क्या 70,000 रुपए लगना है तो घर में बताता मैं। दो महीने बाद मेरे पिताजी ने ऐसे डेयरी एरी पे वो काम वाम कर रहे होंगे और डरे होंगे किसी को कुछ, तो वहां पे एक पेपर में पढ़ लिया, ठीक है, वो भी क्रिकेट के शौक थे, शौकीन थे थोड़े, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ लिया, छतरपुर एकेडमी से हुआ दो लोगों का सिलेक्शन, ठीक है, रॉबिन्सन, और जी नाम फिर हो जाते हैं छतरपुर में, उस टाइम पे इतने ज्यादा पेपर वगैरह नहीं चला करते थे, तो सिलेक्शन हुआ, ठीक है। उसमें उन्होंने दो महीने बाद उन्होंने वो पेपर पढ़ लिया, 70,000 रुपए एक एक पर्सन रुपए ऐसा ऐसा था। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने मेरे से पूछा तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, अब मैं शांत हो गया। मैंने कहा दो महीने पहले हुआ था ये, तो तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। तो कंडीशन देते ना कि आपको वहां आना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, रहने आने खाने का पैसा मिलेगा, लेकिन आपको ये किट लेके आना पड़ेगा, ठीक है, आपका एडमिशन का इतना रुपए लग रहा है वगैरह वगैरह ऐसा करके। तो ऐसा बोला, वो नहीं था। अब अगले यार घर भेजते थे, तुम बता तो थे, दुख हुआ, क्या हुआ, दुख हुआ, ये चीज नहीं कर सकता। नाइन्थ क्लास में बना लिया था टारगेट कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, क्या करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है नाइन्थ क्लास में। तो नाइन्थ क्लास से पैसा जोड़ जोड़ के 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 इंजीनियरिंग तक का पैसा जोड़ लिया था, और भगवान ने वहां मदद कर दी जहां 111वीं रैंक लग गई मेरी और मुझे TIT कॉलेज मिल गया। मेरे एडमिशन का सिर्फ 12,500 रुपए लगा, तो जे था लाइफ। और जब यहां भी एडमिशन हुआ था ना यार, तो मम्मी ने मंगल सूत्र गिरवी रख के मेरा एडमिशन कराया था, आप लोग क्या समझते। मैंने दिमाग नहीं लगाया होगा कि मैं गलत जगह न फंस जाऊं, हैं? नहीं। और आज मैं इतना बड़ा एम्पायर है कि आप सोच भी नहीं सकते यार। सपना ये नहीं है कि आने चल के बहुत बड़ा मिलीनियर बनूंगा या बिलीनियर बनूंगा, मुझे क्या मतलब है। मैं तो इधर के जो तुम्हारे कॉलेज वॉलेज वाले जिनके जिन स्कूल में तुम पढ़े हो ना, उनकी प्रिंसिपल हमसे मुलाकात कर चुके हैं। अब जिस कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते हो ना, वो प्रिंसिपल मेरे से मुलाकात कर चुके हैं और वो ये बोले थे सब खाएंगे हम भी खाएंगे, तुम फालतू में कह के लिए जागरूक कर रही हो। पुलिस मीडिया दुनियादारी से सबसे रूबरू करा चुके हैं, गुंडा लोग बाग मारने के लिए आया, सबके लिए मारने के लिए सब कुछ। एक था, एजुकेशन के नाम पर धंधा नहीं हो सकता छतरपुर में, तुम बेवकूफ नहीं बना सकते लोगों, समझ में आ रहा है ना। तो 2010 में उड़ा दिया था सबसे पहले डी से पीछे डीसीए को, 2010 में मान्यता खत्म हुई थी, समझ में आ रहा है। 2008 में इंजीनियरिंग नॉट अ प्रोफेशनल एजुकेशन, 2012 में ITI सर्टिफिकेट नॉट वैलिड इन रेलवे, ठीक है, और 2012 में ही बोल दिया गया था कि जितने भी
प्रोफेशन है जो कि कंप्यूटर या फिर इन सब से संबंधित होंगे वो अलग ही होंगे। तो आप समझ में आ रहा है मैं मॉडल क्यों कर रहा हूँ, मैं एपीएल क्यों कर रहा हूँ? आपके जैसे छोटा मोटा दुनियादारी के लिए नहीं कर रहा हूँ, कहानी बहुत बड़ी लंबी है। और अगर शामिल होना चाहते हो इस मिशन में तो शामिल हो जाओ। आज से 10 साल बाद एक बहुत बड़ा बंगला बनाने की चाहत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा स्कूल बनाने की चाहत है छतरपुर में, जहाँ पर फ्री में एजुकेशन जाएगा बच्चों। यहाँ समझने की कोशिश करो, ठीक है? हमारे माता पिता बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जे सोच के चलते हैं शादी के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी एक ही बार होना है। क्या लगता है उन्हें? कि शादी एक ही बार होना है भाई। अभी शादी एक ही बार होना है तो कपड़ों में कमी नहीं, ठीक है? कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेकअप में लड़की का कमी नहीं, जो लगे जो चीज 10 की आनी है तुम 12 लगा दो, ठीक है? बिटिया की शादी है, जो कार्ड 20 रुपया की आने तो वो 30 का कार्ड छपवाओ। मिटिया की शादी है, मतलब लड़का की शादी है, समाज सोसाइटी को दिखाने के लिए 4 सब्जी में शादी निपट जानी थी, 12 सब्जी बनवाई हमने, ठीक है? 2 मिठाई में काम हो जाना था, हमने 4-5 ठेइया बनवा दी। ऐसा करके लोग करता है ना, ठीक है? बहुत बड़ा दुनियादारी सब कुछ लगाता है और जाने बहुत सारे मेहमानों को बुलाता है, बहुत सारी कहानी ऐसा कुछ करके चलते हैं, ठीक है? जो शादी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख में हो जानी चाहिए थी वो शादी उन लोगों ने की है 15 से 20 लाख रुपए में। तो मैं टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, टीवी फ्रिज कूलर आ जाएगा 5-10-15 हजार का, लेकिन कंपनी का ही चाहिए 30-35-40-50-60 हजार रुपए का। यस सी एन ओ, यस सी एन ओ, अब आ गया ना समझ में? तो मम्मी पापा शादी में बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बल्कि अगर 10 लाख खर्च हो रहा होगा, ठीक है, तो 12 लाख खर्च करेंगे, 10 लाख का बजट है और 2 लाख रुपए उधार लेके आके खर्च कर देंगे, हमारा आइडिया ना हो, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए समाज सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगा, नाम होगा। लेकिन हमारे माता पिता यहाँ तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है हमारे एजुकेशन के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमें भेज देते हैं सरकारी स्कूल, इसके लिए भेज देते हैं हमें कहां? सरकारी कॉलेज, और वहां भी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है। आप जो बीए बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, इसमें आपका डिसीजन नहीं होगा, 4 दोस्त जो कर रहे होंगे वो करने का आपने भी सोच लिया, या फिर किसी टीचर ने बोल दिया होगा इन्हें जे करा दो, ठीक है, 4 साल बाद वैकेंसी निकलेगी, इनकी नौकरी लग जाएगी, ये बोल दिया होगा, या फिर आपके माता पिता ने किसी रिश्तेदार को फोन लगा के पूछा होगा कि भैया जी पास हो गए, इनको क्या कराएं, आप सभी का सहयोग चाहिए, जे चाहिए। अरे क्या है तुम नौटंकी मचा के रखी हो, समझ में आ रहा ना? तुम मम्मी पापा से अगर बोलो कि तुम इन लोगों से क्यों पूछ रहे, अरे बेटा सबके मन को जाननी है, कन्या अपनी मन की है, मतलब समाज सोसाइटी में क्या हो रहा है। यस यू नो, तो यहाँ पर एजुकेशन उसको करा दिया जाता है कंप्लीट 2 लाख रुपए में, और शादी कंप्लीट कराई जाती है 12 लाख में। मेरा मानना यह है कि शादी, ठीक है, इस लड़का या लड़की के दिमाग में भी मत डालो, शादी की चर्चा इन बच्चों के सामने भी मत करो, मैं आपको ये चीज बता दूं, क्योंकि वो चीज होनी है तो होनी है, ठीक है? सबसे पहले दिमाग में डालो कि तुम्हें अपना कैरियर बनाना है, क्योंकि एक स्टूडेंट का आधा जीवन तो ब्रेकअप एंड पैचअप में निकल जाता है, इधर ब्रेकअप इधर पैचअप, ब्रेकअप एंड पैचअप, क्योंकि जिंदगी में गोल स्टेटमेंट नहीं है काजल, समझ? जिंदगी में क्या नहीं है? गोल स्टेटमेंट नहीं है। लड़के का दिमाग में लड़की स्टेटमेंट बन के बैठी है और लड़की का दिमाग में लड़का स्टेटमेंट बन के बैठा है, मैं आपको बता दिया, ठीक है? एक बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब से किसी ने पूछा कि सर आप ये बताइए, सर आप ये बताइए थोड़ा सा मुझे, आपने शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने बोला था, उन्होंने क्या बोला था, मैंने अपना पूरा जिंदगी देश के नाम कर दिया, दिमाग में गोल स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा ना? क्या स्टेटमेंट नहीं है, क्या स्टेटमेंट नहीं है? और एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत में क्या बनाया था, मिसाइल वगैरह बनाए ना, और दूसरा अहम किरदार किस चीज को बनाने में निभाया था? अरे वो तो सब ठीक है, परमाणु बम का प्रैक्टिकल है, समझ में रहे? एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की मिली भगत से तो बनाया गया था, बात समझ में रहे? इसका प्रस्ताव कब हुआ था, 1972-74, समझ में आ रहा ना? अमेरिका ने क्या बोला था, भारत में एक चीज क्यों नहीं बन पा रही थी, क्योंकि उस समय पे क्या नहीं था, भारत में यूरेनियम नहीं था, यस या नो, ठीक है? तो अमेरिका उस समय पे
देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा के चल रहा था कि यार ये चीज नहीं बननी चाहिए, हम ही शक्तिशाली, हम ही सब कुछ है, हम सबके ऊपर राज करेंगे। तो ऐसा करके चल रहा था। तो 1974 में जब इन्होंने कोशिश की थी परमाणु बम बनाने की, ठीक है, तो उसके लिए यूरेनियम का जरूरत था, लेकिन अमेरिका कई संधि करके बैठा था तो कोई भी देश नहीं बना सकता था। अगर बनाने की कोशिश की तो वो लड़ाई कर लेता, लेकिन हमारे यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनका क्या नाम, इंदिरा गांधी, ठीक है, अब लेडीज का दिमाग खतरनाक होता है। वो अमेरिका को कॉल की और बोल दिया कि तुम एक काम करो, ठीक है, हमारे यहाँ पर बिजली घर बना दीजिए, ठीक है, अभी बिजली घर बनाएंगे ना, समझ में आ रहा है, मैंने सुना है 300 करोड़ रुपए में बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो अमेरिका को पता था जी तो 200 करोड़ में बनता है, और लेडीज 100 करोड़ का प्रॉफिट पहले ही करा दे रही है, मतलब हाँ हाँ बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पे बनाना, बोले यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो उसने बोला कि कैसे बनाओगे, बोला हम बना देंगे, तुम 300 करोड़ रुपए दो रखो तैयार, हम बना देंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि आप तो संधि करके बैठे हो हमारे यहाँ की, यूरेनियम का उपयोग भारत में नहीं हो सकता, इसमें तो यूरेनियम का उपयोग होगा, बोला तुम्हारे लिए माफ है। अब अमेरिका जानता था कि इनको ये बनाना है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर लाइट वगैरह बिजली घर बनाना है, हाँ कहेगा बिजली घर होना तो चाहिए था, किस चीज के लिए अलग। अभी क्या हुआ, परमाणु बम इन्होंने बनवा दिया इंदिरा गांधी ने, और उसको फोड़ा, अभी फोड़ा तो वो फुस हो गया, धुआं दे गया, क्यों दे गया, क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए 80% जरूरत पड़ती है किस चीज की, यूरेनियम की, और इसमें रहता 20% यूरेनियम, फुस उड़ गया। अब अमेरिका और भी ज्यादा टेंशन कर गया, समझ में आ रहा है ना। तो उसने कई चीज लगा दिया कि आप ना तो जल में कर सकते हो, ना हवा में कर सकते हो, समझ में आ रहा ना, धरती पे कर सकते हो, ऐसा करके बहुत सारी चीजें लगाई भाई, बहुत सारे केस लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इन लोगों ने बनाया था एपीजे अब्दुल कलाम, और खुली छूट दी थी किसने, अटल बिहारी वाजपेयी में, वाजपेयी ने, और 9 तारीख को बना के रख दिया था परमाणु बम, पहला फोड़ा परमाणु बम कब, पोखरण में, समझ में आ रहा है ना, 9 तारीख को एक फोड़ा। तो अभी अमेरिका का सैटेलाइट घूमता था, समझ में आ रहा, तो उसे पता चल जाता था 40-50 मिनट में, और अमेरिका का सैटेलाइट घूमता है इसका पता कैसे चला था, इसका पता ऐसे चला था क्योंकि अमेरिका लेके गया था किसे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का माइंड सेटअप करने के लिए, कि तुम इधर करो जॉब, कहां वहां तुम स्टोव प्लाइगर में सही करके लगे रहते हो, तुम इधर करो, यहां देखो बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, हम तुम्हारा नासा का हेड बना देते हैं। तो ये वहां पर देख के आ गए थे, बोले देखो भाई हमारे ना बीवी ना बच्चा कुछ नहीं है, एक भारत माई है, देश ही हमारा, और पूरा जिंदगी उन्हीं को दिया हमने, ठीक है, वो वहां नासा का जॉब छोड़ के आ गए, ठीक है, और इधर आके बता दिए, ओए क्या कर रहे तुम लोग, ऊपर से सैटेलाइट लगाया अमेरिका, और वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया। अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए कि एक काम करो, ऐसा बोल दो कि यहाँ पे सेना अभ्यास कर रही है, युद्ध बना रही है, युद्ध करेगी, इसलिए घर बन रहे हैं, हम वोट देंगे कि कितना क्या होता है, नया नया परमाणु बम बन रहा था वहां पे, ठीक है, और बम बनाए तो कहां, जमीन के अंदर, समझ में आया, ठीक है। अभी क्या हुआ, पहला बम फोड़ा इन लोगों ने, ठीक है, तो अभी वो धुआं धुआं तो हो गई, ठीक है, तो तूफान आया, ठीक है, नासा को उसने रिपोर्टिंग कर दी, गवर्नमेंट को, अमेरिका को, ठीक है, तो अमेरिका बोलता है अरे ना चुप रहो, बोला तूफान आया है, समझ में, उस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या बोला, तूफान है हमारे उस साइड में, ठीक है। अभी एक फोड़ा, इन्होंने देखा कि अब कुछ होगा, ठीक है, कोई देश रिएक्ट करेगा, ऐसा करेगा, नहीं किया, तो बोला आप धड़ल्ले से फोड़ दो, उन्हें दो कहीं ने तीन फोड़ गए। अब बम फूट रहे थे कहां, परमाणु बम भारत में पोखरण में, लेकिन हिल रहा था क्या पाकिस्तान, भूकंप कहां रहा था, वो लगा दिया फोन अमेरिका को, बोले ओए सुन, वो फोड़ दिया तुम्हारा बम, तुम कहां सैटेलाइट लगा के घूम रहे, मतलब बम फोड़ दिया उसने, समझ नहीं आ रहा, हेलो अमेरिका भाई गुस्सा गया भारत के ऊपर, समझ में आ रहा है, बोला इसके तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और हम भारत को पूरी जिंदगी भर नहीं मानेंगे कि भारत के पास परमाणु बम है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, बात समझ, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया हमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि स्मार्ट वैल्यू सही, सॉरी परमाणु, हमारे पास परमाणु बम है या नहीं है, जिसे हमसे युद्ध करना है आओ थोड़ा सा हम देखें, समझ रहा, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे पास परमाणु बम है कि नहीं। और इधर में ऑर्डर दे दिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कि 3-4 कॉपी बना कर रखो, फोड़ेंगे अपन, समझ में आ रहा है। अभी जे चीज हुआ, समझ, काफी प्रतिबंध लगा दिया इनके ऊपर।
अब पाकिस्तान बना के रखा था, उसने ही फोड़ दिया। अमेरिका फोन लगाया उसे, तू क्यों फोड़ा बे? तो पाकिस्तान क्या बोला, इसमें क्या है? तो तुम हमें बोले हम छोटे हैं, उसे क्यों नहीं बोले भारत को उसने फोड़ा? उसका तो कुछ कर नहीं पाए, जो सजा भारत को देंगे वो हमें भी दे देना, हमारे ऊपर। समझ रहे हो? ये है प्रॉपर केस स्टडी। क्या हुआ था उसका जो पीएनएस गाजी है, उसे कैसे डुबाया गया था, वो भी किसने डुबाया था? प्रॉपर केस स्टडी। क्या आपको ये नॉलेज दिया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है? अरे नहीं, यहाँ तो ऊपरी ऊपरी थतोल के भगे जा रहे हो, अंदर तो माल अंदर ही है। आपने देखा हो ये पीएल है, आप ऐसे आए सुना कुत्ता से बाहर निकल। अरे थोड़े रहो, सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें यही है, कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये चीज आप सोच रहे होंगे कि यार सर ऐसा नॉलेज कैसे आ सकता है हमारे पास। संगत, आप जिन लोगों की संगत में रहते हो ना यार, वो क्या देखते हैं, क्या गुण है उनके, कैसी क्या सारी चीजें, एक दिन आप भी वैसे हो जाएंगे। ग्रेथ योर नॉलेज, अपडेट योर इनकम ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है ना? अपने आप आपकी इनकम अपडेट हो जाएगी, अपने आप अपना इनकम ग्रोथ कर लोगे आप। समझ में आ रहा? काम कहाँ करना है? अब आगे बात समझ में? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बॉस? क्या चाहिए? नॉलेज ना, नॉलेज ना, हमें चाहिए नॉलेज। और नॉलेज किसके ऊपर पास में होता है? टीचर। आप लोगों के पास 10 मिनट है ना? Yes, क्योंकि कुछ लोग बोलने लगते हैं हम इतनी देर तक बैठ नहीं सकते। तो क्या 8 घंटा जॉब करके आधा पौधा खेलोगी वहां? समझ में आ रहा है भाई? कोई तुम्हें 10,000 रुपए देगा तो 1,00,000 का काम भी तो करवाएगा। अब 1,00,000 का काम करवाएगा तो 8-10 घंटा तो लगेंगे ना काम करने में। तो 8 घंटा तुम्हें 8-10 घंटा काम करना पड़ेगा। उधर में ये नहीं बोलोगे कि आधा का पादा किसने बांटा। समझने की कोशिश करो। देखो हमें चाहिए नॉलेज, नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही जगह होगा इन्वेस्टमेंट की नहीं। आप कितना पैसा दिया? 18,800। एक बात और लोग बाग आपको बोलेगा, ये कोर्स 10,000 रुपये में करा दूंगा। 5,000, 3,000, 5,000। तुम टैली वर्ष के बारे में बताते हो इसलिए वो 3,000 में करा देता। इस फोन का नाम क्या है? iPhone 13 Pro Max। यस या नो? काम क्या है? सिर्फ बात ही करना ना, सिर्फ बात ही करना ना। मतलब फोन तो 1500 का भी आता है, सैमसंग गुरु ऐसे लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। कौन से बोलो, सैमसंग तेरा औकात दिखाता है। समझ में आ रहा ना? कोर्स तो 4,000 का भी होता है, शादी तो 3 रुपया में भी होती है। हो जाती कि नहीं? हो जाती। यस या नो? और फिर फ्री में तक करा लो, भगा ले जाओ। ठीक है, गाना गा दो। ठीक है, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करेंगे, एक रोटी में आधी आधी खा लेंगे। मैं कभी ना करूं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा ना? तो समझने की कोशिश करो, ये सब चलता रहता है नोट, क्योंकि फिल्में भी हम ऐसे देखते हैं, राम बनाता चीता। ठीक है, आज का अर्जुन, आज का रावण, फिल्में भी तो हम यही देखते थे, एक था टाइगर। समझ में? अब मूवी ऐसे देखेंगे तो गुड़ भी ऐसे आएंगे। अब आज कल लोग बागों के दिमाग में मान लेते हैं ये सब प्यार मोहब्बत कैसे आए, साले देखते ही ऐसे हैं। अब पूरा बॉलीवुड तो इसी से भरा हुआ है। यस या नो? स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी का नाम रखना चाहिए था 3 इडियट्स, उस मूवी का नाम रखना चाहिए था वाकई में स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और जो जो ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर था ना, इसका नाम रखना चाहिए था 3 इडियट्स। सर पढ़वे गए थे कॉलेज में या कॉम्पिटिशन करवे के नाम? और जो 3 इडियट्स जिसका मूवी का नाम रखा वो वाकई में पढ़ाई करते थे वो। यस सर, इसलिए बोला कि कैसे कैसे हो रहा है भारत में। तो हमारे बच्चे जी कैसे सब प्यार मोहब्बत में लगेगा, इनका कम ना समझो, निपी जी कम नहीं है अपनी कसम, इनका कोई ना कोई रिमोटवा बैठा होगा। ठीक है, जो इनको कोशिश करोगे सुरेंद्र सर की ट्रेनिंग हो जाती है 2 बजे खत्म,
ठीक है ना, तो स्मार्ट वैल्यू खराब ना एपीएल खराब, जे उन्हें टाइम नहीं दे पानी इसलिए खराब। अब जो सोचते जब से थे एडमिशन लिया जी, अब जिंदगी झंड हो गई, क्योंकि हर हर बॉयफ्रेंड हर कुत्ता जो जो भी होता है ना जिसका, समझ रहे देखो बिजनेस की बात, बिजनेस तक सीमित होना चाहिए। तो अभी क्या होगा ना, वो उधर से फनुआ लगा रहूंगा, ठीक है कि ये अभी तक क्यों नहीं गई, और आदमी को शक तुरंत हो जाता है, थोड़ी ना कि कोई हमारे जैसा हर कोई होता है, ठीक है। अगर देखो हमें शक होगा तो एक चीज के ऊपर होगा, बनाया क्या होगा, सब्जी भिंडी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसका अभी तक आंसर नहीं दिया, आंसर नहीं दिया तो उधर से क्या हो जाएगा, कांगई। सुरेंद्र सर का ऐसे वैसा जे वो दुनियादारी, समझ में आ रहा ना। अब सुरेंद्र सर को दूसरा शक होगा, मेरे माइल से इतने गए थे, एक माइल कहां गया, समझ में आ रहा। इसके अलावा हमें शक होता है तो होता गए थे, तुमने फीडबैक अच्छे से नहीं किया, इससे बोलते हैं शक। तुम लोग को जैसे ही शक सकाते रहते दिन भर, ठीक है, कहां गई थी। देखो टीवी वो झूठ का डिब्बा है जो दूसरे के घर में ताका झांकी करने का ट्रेनिंग लेता है, और हर लड़की इससे प्रेरित है, समझने की कोशिश करो, समझ में। आज ऐसा कोई बैठा है जो गोपी बहू को ना जानता हो, जो मैडम माया को ना जानता हो, जानते हो ना, सास भी कभी बहू थी, दिया और बाती जीवन साथी संध्या मसूरत की जोड़ी, हेलो। कुछ लोग बात तो कल रात को ही देख के आए होंगे, ये किस तो आजा आजा वापसी आ जाओ, हंस लिया, अब मत हंसो, हंसे तो आपके पास में क्या होना चाहिए सर, नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज होता किसके पास में, देखो नॉलेज आता किसके पास में है और नॉलेज होता किसके पास में, ये समझना पड़ेगा दाऊ साहब, ठीक है। अंजलि जी अब तो हमें तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, इतनी छोटी सी लड़की है, छह रोटी कैसे खा जाती है। नॉलेज किसके पास में होता है, और आज की डेट में नहीं मिल रहा है तो फैकल्टी, और फैकल्टी डीमोटिवेट है, प्रेशराइज है, उसने अपने ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट किया पढ़ाई लिखाई में, उतना उसे क्या नहीं मिल पा रहा है, सैलरी नहीं मिल पा रहा है। इसको बीच बीच में कट कर देना, नहीं तो प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएंगी, लेकिन उससे भी समझ में आ जाएगा कि यार सर जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है, क्योंकि आज का जो व्यक्ति है ना, ठीक है, जो देखेगा ना उसके दिमाग में वही चलेगा, प्यार मोहब्बत वाला मूवी देखेगा उसके में वही चलेगा। अगर आपको देखना है तो एवेंजर्स देख लो यार, आपको आईटी दिखेगा, अवतार मूवी देख लो, टेक्नोलॉजी दिखेगी आपको, ठीक है। आ जाओ, तो नॉलेज किसके पास होता है, टीचर, टीचर के पास में। अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा, छतरपुर में, अच्छा कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, कहाँ मिलेगा, अच्छे कॉलेज, अच्छा कॉलेज, अच्छा कॉलेज कहाँ मिलेगा, अच्छा सिटी में, अच्छी सिटी में। और अच्छी सिटी में जाने के लिए क्या चाहिए हमें, पैसा, पैसा चाहिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना एजुकेशन को, बढ़िया सी नो, अभी ये चीज नहीं है हमारे पास, ये चीज नहीं है, लेकिन ये चीज भी आपको मिल जाएगी। अच्छा आपको मुझे देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा सकता हूँ आपको, लग रहा है थोड़ा बहुत ज्ञान ले सकते हो हमारे साथ रहकर, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें सीखोगे ना हमारे साथ। यस, मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा जो पेपर में आएगा, मैं आपको वो सिखाऊंगा जो जिंदगी में आएगा, तुम रहो हमारे साथ। पेपर में, पेपर तक वही लोग सिखाते हैं जिन्हें सिर्फ किताबों तक भरोसा होता है, और जिन्हें अपने आप भरोसा होता है ना वो जिंदगी का ज्ञान लेके जाते हैं, ठीक है। तो समझो, अब ये चीज तो समझ में आ गई कि हमें चाहिए नॉलेज, होगा किसके पास, टीचर, हमें चाहिए टीचर, कहाँ मिलेगा, अच्छे कॉलेज में। अब आपको बताता हूँ एपीएलएल के बारे में, एशियन पैसिफिक लर्निंग लैबरेज लिमिटेड नाम है, समझ में आ रहा ना, यस सर, क्या नाम है, एशियन पैसिफिक लैबरेज लिमिटेड, पूरे भारत में कब से चल रहा है, 21 ईयर, जब आपका जन्म नहीं हुआ था, समझने की कोशिश कर रहे, ठीक है, पूरे भारत में तब से चल रहा है, ठीक है। पूरे भारत में कितने सेंटर्स हैं, 16 गलत होता, एक दो सेंटर एक दो साल तक चलते, 1600 सेंटर,
ना चलते और 21 साल से ना चलते। छतरपुर में अगर ये चीज गलत होती तो मैं यहाँ पर 11-12 साल से कंटिन्यू रन ना कर रहा होता, बल्कि थाना मेरे पीछे ही है। और कई लोग अर्चना सिंह से लेकर आप रिकॉग्निशन प्रोग्राम देखोगे ना, ऐसा ही मैडम आई थी ना आपने यहाँ पे, वीडियो वगैरह अपलोड कर दो, अगर नहीं है तो दिखाई करो बच्चों को, तो वो ना समझ में आ रहा ना। ठीक है, देखो जिसे ज्ञान नहीं है ना या फिर जो फेल हो गया ना किसी चीज में, वो बोलेगा ऐसे से वैसा है। ठीक है, तो अभी क्या 1600 सेंटर 21 साल हो चुका और मैं क्या बोल रहा हूँ लिमिटेड। अब लिमिटेड भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है वाकई में लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड मतलब आपका निजी कोई भी चीज, जैसे कि आपने स्कूल खोला 100% शेयर किसके होंगे, आपके खुद के। आप कभी भी इस स्कूल को बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, या शेयर हो किसी भी टीचर को रख सकते हो, किसी भी टीचर को भगा सकते हो। लेकिन लिमिटेड जब बनता है ना, लिमिटेड जब बनता है ना तो ऑनर के शेयर होते हैं 2%, समझ में आ रहा ना। इसके बाद 48% शेयर होते हैं गवर्नमेंट के एंड 50% शेयर होते हैं आपका कितना पब्लिक के। अभी क्या इसे बोलेंगे पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि SBI बैंक जो लोग गवर्नमेंट समझते हैं ना, पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। जो चीजें जनता के द्वारा जनता के ऊपर डिपेंड होकर चलती हैं उन्हें बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट, लोकतंत्र है या राजतंत्र के क्या है अपना देश लोकतंत्र, समझ में आ रहा ना। कौन चुनता है यहाँ पे प्रधानमंत्री, पब्लिक जनता। अब आ गया ना बात समझ में, तो हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आ गया बात समझ में सर। ठीक है, अब जिस ये बनते कैसे हैं मैंने आपको बता दिया। 1956 और 52 एक्ट के तहत भारतीय कार मंत्रालय एंड वित्त मंत्रालय में रजिस्टर्ड होता है फॉर्म 16A के द्वारा, ITI RTR सर्टिफिकेट के द्वारा इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे, वेबसाइट पे जाओगे स्मार्ट वैल्यू का, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग बोलेगा सर APL और स्मार्ट वैल्यू में क्या संबंध है, ठीक है, तो आप समझना। ठीक है, मान लेते हैं स्मार्ट वैल्यू, ठीक है, जे स्मार्ट वैल्यू जे वैसे ही है जैसे कि कोई कार का नाम बताओ मुझे आप, वर्ना, ठीक है, अभी कार का नाम है वर्ना, ठीक है, लेकिन कंपनी का नाम क्या है, होंडाई ना, कार का नाम क्या है, रेंज रोवर, कंपनी का नाम क्या है, लैंड रोवर, कार का नाम क्या है, जगुआर, बनाती कौन है, लैंड रोवर, ठीक है, डिजायर, कंपनी कौन सी है, मारुति सुजुकी, यस या नो, अब आ गया ना बात समझ में, ठीक है, आप कर रहे हो मान लेते हैं पेस्ट, ठीक है, कंपनी कौन सी होगी, बात समझ में आ रहा ना, हेलो, ठीक है, आप क्या पहने हो कपड़ा, ब्रांड किसका है, अरविंद, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं पहने हूँ शर्ट, ब्रांड कहता है LP लिस्ट, शर्ट की कीमत 3500, आप लोग बात सोचा है, शर्ट की कीमत 3500, आप सोचो जो लड़के के पास में मतलब 9th क्लास 10th क्लास का स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने का पैसा नहीं था, दो कलर की चप्पल पहन के वो एडमिशन कराया गया था वहां पे, उसका टेस्ट लिया गया, डिजर्व करता बंदे एडमिशन मिल गया, वो लड़का आपके सामने है 3500 रुपए का तो शर्ट पहन के बैठा है और पैंट भी सेम कीमत का है, और एक शर्ट मेरी टाइट है वो है ब्लैकबेरी की, रखी होगी 4500 कीमत, अभी तक एक भी बार पहनी नहीं, हाँ मोबाइल 1.5 लाख का, नीचे बाइक जो टिकी होगी ना यार 12,55,000, कावासाकी है G900 प्रीमियम गाड़ी है, दूसरी प्रीमियम कार लेने वाला हूँ 2023 कीमत 89 लाख, कार का नाम रेंज रोवर, कंपनी का नाम लैंड रोवर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फोन खरीदा है जिंदगी में, ऐसा नहीं है, एक का पछाड़ मार चुके हैं
और वो भी 1,10,000 का था। yes, और लोग बाग बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू तो नहीं। कौन सा पूछो का जानना था स्मार्ट वैल्यू के बारे में, जोड़ने पकड़ने की कंपनी आए है पकड़िए ना ले पेन आप बैठ समझा। मैं बता दिया ना इस दुनिया में गलत ज्ञान से भी खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो है अधूरा ज्ञान। लोगों के पास गलत ज्ञान होता तो भी लोग बाग इसको समझ जाते, लोग बागों के पास क्या है अधूरा ज्ञान। किसी ने किया 2 महीना, किसी ने किया 4 महीना, ठीक है। कोई आया 4 महीने में 4 दिन तो कोई आया 4 महीने में 10 दिन तो कोई एडमिशन के बाद आई नहीं। लेकिन जे क्या बोलेंगे, हमने भी स्मार्ट वैल्यू किया, हमने भी ऐसा किया, हमने भी वैसा किया, जे खराब है वो खराब है। अगर खराब होता यहां से कुछ नहीं होता तो जे व्यक्ति क्यों खड़ा होता आपके सामने, हरि कुशवाहा क्यों खड़ा होता, क्यों साक्षी मैडम, अंजलि मैडम, निधि मैडम, आरती मैडम थाईलैंड जा रही होती, कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो होगा ना। क्यों मान लेते अनु चौरसिया, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अरे भाई क्या एसएससी क्वालिफाइड हो या पीएससी, एसएससी क्वालिफाइड है, पापा जी बिजनेसमैन है, ठीक है, दीदी वकील है, खुद भी वकालत कर रही है। लेकिन तुम्हारे गांव में एक नक छपा तुम्हें मिल गया और वो आके बोलता है कि स्मार्ट वैल्यू जोड़ने पकड़ने का सिस्टम है और तुमने विश्वास कर लिया। समझ में आ रहा ना, एक सोचने वाली बात है कि नहीं, सोचो एक बार, ये आ गया समझ में। लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारी, ये इसलिए बताया कि लोग अब पूछने लगते ना आपसे कि जे प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है या क्या है, तो इसे बोलते हैं लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक लिमिटेड होते हैं। अब लोग बात तो बेवकूफ इसको SBI बैंक को भी सरकारी समझता है, हम नहीं जमा करेंगे पैसा, उखाड़ ले सरकार जो उखाड़ में, हम नहीं जाएंगे ट्रेन में, बनी रहते सरकार। अब आ रहा समझ में, सिंपल सा बात है। अभी सुनो, नॉलेज होता किसके पास में, फैकल्टी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग बाग यह धंधा करता है, क्या धंधा करता है, स्कूल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट कर देगा दम से, फैकल्टी को पैसा कम देगा। अभी फैकल्टी को पैसा कम दे रहे ना तो फैकल्टी दिल से पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग बाग है जिन्हें अपने स्कूल कॉलेज में धंधा करने से मतलब है, ना कि सर्विस देने से मतलब है। हम 18,800 रुपए लेते हैं ना यार, तो 1,300 रुपए में उसे 6 महीने तक, ठीक है, बिना 1 रुपए लिए सारा सब कुछ, GDPI क्लास, कम्युनिकेशन स्किल क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, A to Z सारा चीज सिखाते हैं 1,300 रुपए में यार। पर एक बार सर्च कर लेना कि GDPI क्लास का कितना रुपए लगता है, कम्युनिकेशन स्किल क्लास का कितना रुपए लगता है। अब लोग बाग बोलेगा कि सर GDPI क्लास आपने तो दी नहीं, बेटा शादी तुम्हारी बाद में होती है, शादी की इंफॉर्मेशन तुम पहले ले लेती हो। मतलब आपने बागी मूवी देखी, वो क्या करने के लिए गया था, मार्शल आर्ट सीखने के लिए गया था ना, गुरुजी ने कैसे उसे सिखाया था मार्शल आर्ट, कैसे सिखाया था उसे, पोछा लगवा कर ट्रेनिंग की, तो उसकी पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। लेकिन उसे बताया नहीं था कि जो तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि सबके सिखाने का तरीका अलग होता है, कहीं उससे पोछा लगवा लें, कहीं उसे मंदिर का घंटा बदवा रहे, कहीं उससे नारियल कैच करवा रहे, कहीं उससे रबड़ी निकवा रहे, कहीं उससे कपड़ा धुलवा रहे। अब वो बोलता था मुझे नहीं सीखना मार्शल आर्ट, ये चटर पटर मुझे नहीं करना, तुमने अभी तक मार्शल आर्ट तो सिखाया ही नहीं, ऐसे मेरे पास बच्चे आते हैं कम बूटो तो सिखाओ ही नहीं है, ये सिर्फ बताओ दे कि जो सिखा अभी भी ऐसा कुछ सिखा अभी ऐसा तो दवाई नहीं है, अभी तक कमूटो तो सिखाओ नहीं है। समझ में आ रहा है, हेलो। तो वो क्यों समझो, ठीक है, आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज होता है किसके पास में और आता है किसके पास में, स्टूडेंट। आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, स्टूडेंट। क्या आप स्टूडेंट हैं? अब आ रहा राजकुमार बात में क्या सिखाना चाहता हूँ,
नॉलेज होता किसके पास में? टीचर। आता किसके पास में? स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हो क्या? यस सर। अगर हो तो समझना कुछ चीजें, ठीक है? पहली चीज, एक स्टूडेंट का जीवन पूरा डिसिप्लिन होता है, अनुशासित होता है। एक स्टूडेंट का जीवन पूरा डिसिप्लिन होता है। एक स्टूडेंट का लाइफ में किताबें 80% होती हैं उसकी जिंदगी से, ठीक है? 10% परिवार होता है, 10% खेलकूद होता है, और वो सोशल मीडिया दुनियादारी से बहुत ज्यादा दूर रहता है। क्योंकि आप बनना चाहते हो ऐसा ही, और संगत है आपकी, समझ में? आप बनना चाहते हो ऐसा ही, देख रहे हो कपिल शर्मा शो, कुछ नहीं होने वाला है। तो लाइफ क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासित जिंदगी, जीवन, डिसिप्लिन, अनुशासन। आपका सोने का उठने का समय, समझ में आ रहा है? सोने का उठने का समय होना चाहिए। आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है ये निर्धारित होना चाहिए। क्या देखना क्या नहीं देखना ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप क्या ये सब कुछ जानते हो? इन सब के बारे में कोई डिस्कशन करता है क्या? डिसिप्लिन, ठीक है? इसके बारे में आपके पास में होना चाहिए गुड हैबिट्स। पढ़ाई करना एक अच्छी आदत है, टीवी देखना एक बुरी आदत है। आपको क्या मूवी देखना चाहिए, कौन सी मूवी नहीं देखना चाहिए? आपको थ्री इडियट देखना चाहिए, भाग मिलखा भाग देखना चाहिए, समझ में? सत्य में जैसे मूवी आपको देखना चाहिए। अगर देखना है आपको, ठीक है, तो आप मैरी कॉम देख सकते हो। अगर देखना है आपको तो गुरु मूवी देख सकते हो, वो मूवी जिनसे आप क्या हो सके, समझ में आ रहा ना? लेकिन भाग मिल्खा भाग के बाद अगर आप देखते हो हमती शर्मा की दुल्हनिया, प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है, और जो भी है, मुझे तो नाम भी नहीं आते, हम दो हमारे दो, छोटे मियां बड़े मियां, समझ में आ रहा? इन मूवियों को देख के आप क्या करोगे? तो मैं आपको क्या बोला, अच्छी आदतें आपको अंदर लेके आना पड़ेगा। अब लोग बोलते सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, पढ़ना चाहिए, लेकिन जब पढ़ते हैं ना साले नींद आ तो तेरी आंखें या बाजू वाले, और तेरे बिना परमिशन के बिना सो कैसे गई? सर मैं आदत बदलना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है? तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, बदलना चाहता है तो एक काम कर, जब पढ़ाई करने जाए ना और नींद आए ना तो खड़ा हो जा और खड़े खड़े पढ़ने की कोशिश कर। अगर फिर भी तेरे को नींद आई तो मुंह में मार वो ठंडे पानी का एक छींटा और नींद को दूर भगा। और फिर भी अगर तेरे को जाके नींद आ रही है ना तो तेरे जो फेवरेट जूते होंगे ना उनको फाड़ दे तू जा, ठीक है? अगर फिर भी तेरे को नींद आई ना तो अपना जाके अपना जो मम्मी है ना उनकी फेवरेट साड़ी तू काट दे, अगर तुझे नींद आ जाए दोबारा जिंदगी में तुम्हें। तुम्हारा क्या होता है, नींद आती तुम सो जाते हो, सुबह पढ़ेंगे, और सुबह हाल क्या होता है, 5 मिनट बाद उठे, और 5 मिनट बाद उठेंगे ना साला 10 मिनट कब हो जाते पता नहीं चलता है। सोचते हैं कि चलो 4:10 हो गए, अब 5:05 पर उठेंगे हम, और कब 7 उठते हैं पता नहीं, और जब 7 जाता है तो सोचते थे आज तो लेट हो गया 2 घंटा हुआ सो ले। यस या नो? यही होता कि नहीं होता? ऐसे यूट्यूब में जब हम घुसते हैं 5 मिनट देख रहे कपिल शर्मा का शो, 5 मिनट देख रहे, और कब 2 घंटा गुजर जाते पता नहीं चलता। समझने की कोशिश करो, गुड हैबिट्स आपके अंदर में होना चाहिए। तीसरा चीज, टाइम पंचुअल आप होना चाहिए, टाइम पंचुअलिटी आपके अंदर होना चाहिए। आज का ट्रेनिंग पूरा बेसिक था, ठीक है? जो पार्ट हंसी मजाक वाले थे वो काट देना, बाकी सब डालने वाले हैं, ठीक है? टाइम पंचुअलिटी आपके होना चाहिए। एक स्टूडेंट टाइम पंचुअल बहुत ज्यादा होता है और प्रीजर्व नहीं करता है, इतना भी याद रख रहे ना, एक स्टूडेंट का लाइफ ऐसे होता है, ठीक है? मतलब कॉन्फिडेंस भी बहुत प्यारा होता है एक स्टूडेंट में, ठीक है? लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उसे पहले बचपन से ही बता दिया जाता है कि किसी जगह पे तुम 10 पहुंचते हो ना तो वहां पे 9:30 घर से निकल जाओ और 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले पहुंच जाओ। यस यू नो, एग्जाम हॉल में 10 से तुम्हारा पेपर है तो वहां 9 तक पहुंच जाओ, क्या पता रास्ते में ऐसे ऐसे ऐसा हो जाए। एक स्टूडेंट को भली भांति पहले से ही सिखा दिया जाता टाइम पंचुअलिटी के बारे में, ठीक है? इसके बाद में उसको हैबिट्स बहुत ज्यादा सुधारी जाती है, सॉरी लिख चुका हूं मैं, है ना? मतलब हैबिट्स को लेके मेरा मतलब है कि क्या पढ़ना क्या देखना, समझ में आ रहा ना? ये सारी चीजें उसको करा दी जाती है उसके प्रोफेशन से संबंधित, ठीक है? मतलब नेक्स्ट टाइम उसको बोलूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, यस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने एग्जाम देना है, मुझे पास होना है, तो पढ़ना मुझे को ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने एडमिशन ले लिया और मैं नीरज को बोलूं नीरज तुम मेरा बिजनेस कराओ ना, ऐसा नहीं होगा कि यार तुम मेरा काम करा दो, ठीक है, ये सब कुछ चीजें नहीं होंगी। तो जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है अपने एजुकेशन की, जिम्मेदारी यहाँ की आपको खुद को लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं स्टूडेंट के अंदर, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, दूसरी संगत अच्छी रखता है, यानी कि कंपनी संगत, संगत अच्छे लोग बागों के साथ में रहनी चाहिए। अगर आपके साथ में रहने वाले चार दोस्त अगर पॉजिटिव थिंकर नहीं है तो एक बात याद रख लेना, पांच में नेगेटिव थिंकर आप बन जाओगे। आपके साथ में रहने वाले चार दोस्त अगर कैरियर ओरिएंटेड डिस्कशन नहीं करते ना तो पांच में इंसान आप बन जाओगे जो फिजूल का डिस्कशन करोगे। आपके साथ में चार दोस्त अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना तो पांच में इंसान आप बन जाओगे एक साल बाद जिसकी बॉडी बिल्डिंग होगी। मैं आपको बता दी, अगर आपके साथ में रहने वाले चार दोस्त 1,00,000 रुपए महीना कमाते हैं ना, ठीक है, तो पांचवें इंसान आप बन जाओगे 2 साल बाद जिसका 1,00,000 रुपए महीना होगा। इसलिए अच्छे लोग बागों की संगत करो इस दुनिया में। मैं आपको बता दिया, ठीक है, हनुमान जी का कमी नहीं है इस दुनिया में, कमी है तो जानमंत जी का। हनुमान जी के अंदर तो असीमित शक्तियां थी, असीमित क्षमताएं थी बहुत कुछ करने की, लेकिन कमी क्या है, जानमंत जी। हर कोई इस दुनिया में आपको अपने हिसाब से ढालना चाहता है। पहली बार स्मार्ट वेल या एपीएल के लोग मिले जो आपको आपके हिसाब से जीने के लिए बात कर रहे हैं, सही बोला नहीं? Yes, you know? Yes, sir. अब लोग बोलते कि सर इसके बारे में फिर इतना उल्टा पलटा क्यों बोला जाता है। मैं बता दूं, हाँ बता देता हूँ, शहद में ही समझ में आ रहा ना, yes, सबसे ज्यादा मीठी होती ना, yes, समझ में आ रहा है? हेलो, yes, खटाई तो दुनिया में चल रही है। तो सिंपल सा है, कंपनी संगत अच्छे लोग बागों के साथ में रहो, जो कि मैं शुरुआत में आपसे बात किया था, जैसा लोग बागों के साथ रहोगे वैसे गुण आएगा। मैं बता दिया, अगर आपको अपनी 4-5 साल जिंदगी जीना है ना, 5 साल, ठीक है, तो आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स किसी भी ग्रुप ग्रुप में चले जाओ, जो 4-5 साल का जिंदगी होता है, निशान बदल गया, 2-3 साल 4 साल का जिंदगी और बचा हुआ है। बात समझ में आ रहा ना? मेरे घर में मुझे एक चीज बोला जाता था, जैसे कि उन्होंने एक मेरे से कोई गलती होगी, उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया, क्या किया, थप्पड़ मार दिया तो अभी मैं रोने लगा तो 10 घलेंगे अब। और एक चीज बोल दिया जाएगा, आंसू नहीं आने चाहिए, हमारा पालन पोषण ऐसे हुआ। और अगर उन्होंने बोला कि जे रखा खाना तुम खाना खा लेना, और मैंने अगर वहां पर खाना अगर नहीं खाया या फिर मैंने ऐसा होशियारी दिखाया तो एक बात याद रख लेना, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे लेकिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और जब वो खाना मिलेगा तो सड़ चुका होगा, तुम्हारे मुंह में ठूंसा जाएगा और फिर तुम्हें मारा जाएगा। एक चीज बोल दिया जाता कि गुस्सा करना, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि तेरे गुस्से को पालेंगे, जिंदगी है बेटा, अगर मैंने तुझे लात नहीं मारी तो दुनिया तुझे लात मार देगी, कठोर हम ही बनाएंगे तुझे। तो निशांत भदौरिया के साथ में जिंदगी में इस चीज की कमी है। मेरा पिताजी और मेरा जिंदगी का जो हालत हुआ ना, सिर्फ एक वजह से, मेरी खातिर मेरा पिताजी अपने बाप को छोड़ दिया था, वो चाहते, ठीक है, तो मेरा दादाजी का कहना क्या रहता था, कोई तुम्हें एक मारे तुम 10 मारो, मेरे दादाजी।